साकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनिकाप्रदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलाकाशौ विश्वभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिका कर्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य कीप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्भरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट जुग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीव विकुरुत मंद मतीर दयांगवरा तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमाणतोऽस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद सब एक बार हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम भागवत कथा ब्रितम की जय। क्लियर कर सकते सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सौनका ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को मैंने छह प्रश्न किया था। प्रश्न कौन कर रहे हैं बोले ये सौनका ऋषि लोग। प्रश्न कर रहे हैं किसको बोले सुतो गोस्वामी। कहते ये सूत मतलब क्या होता है बोले जो रथ चलाते हैं उनको सूत कहते हैं। महाभारत देखे होंगे जिसको भीम अर्जुन कर्ण को बारंबार सूत पुत्र कर बोल करके टोटिंग करते थे। बोलते थे तुम छोटे जाति के हो हैं
लेकिन यहाँ पर शिक्षा देते हैं भगवान की भक्ति जगत में कद जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। भगवान की भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं, जो भजन करता है वही बड़ा है। इसलिए छह प्रश्न में सर्वप्रथम प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। क्या प्रश्न था बोलो, पहला प्रश्न क्या था, जोर से बोलो, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। हम जो कुछ करते हैं आत्मा को शांति के लिए ही करते हैं, लेकिन हमारी एक धारणा है अगर घर में ज़्यादा पैसा हो जाएगा ना शायद शांति मिले, लोगों का ऐसी कुछ धारणा है। अब रावण का नाम सुने होंगे, जिनकी सोने की लंका थी, किसकी लंका थी, सोने की लंका थी। हमारे घर में कितना सोना होगा, 10 किलो 20 किलो 100 किलो, उससे तो ज़्यादा सोना नहीं होगा ना। लेकिन जिनकी लंका ही पूरा के पूरा सोना है, फिर क्या सोचते हैं अगर कोई सुंदर किसी छोरी से लड़की से शादी हो जाएगा तो सुख मिलेगा। लेकिन रावण का पत्नी का नाम कोई बोल सकते हो क्या नाम था, मंदोदरी। ये मंदोदरी का मतलब आपको पता है, मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब होता है कमर, जिसकी कमल बड़ी पतली थी वो विश्वकर्मा की वो बेटी थी, मैदानम की बेटी थी, इतने सुंदरी थी। अब रामायण सुने होंगे जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए गए, वो मंदोदरी को देखकर भ्रमित हो गए, बोले यही तो माँ जगजननी, माँ जगजननी सीता तो लक्ष्मी तो यही नहीं, मतलब इतनी सुंदरी थी माता कौन मंदोदरी। हम सोचते हैं अच्छे छोरे हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। रावण का बेटा का नाम क्या था, मेघनाथ। देखे रामायण देखे हो कितने ताकत, जो भगवान राम को भी नागफास बंधन में बांध दिया, लक्ष्मण को पर में सत्यशैल की प्रहार की, इतने बलवान था। लेकिन ये सब कुछ रहते हुए भी रावण चैन में नहीं था, सुखी नहीं था। वो स्वयं कहते हैं कदा सुख भवामि अहम्, जीवन में मैं कब सुखी मिल, हमें जीवन में कब सुख मिलेगा। इसलिए रावण का सब कुछ रहते हुए भी सुखी नहीं, बोले सुखी क्यों नहीं था, कारण है कहते राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, कहते भगवान से विमुख होकर के अभी तक जगत में किसको सुख मिला ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उनने 7 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं अगर कोई सोचे रेती को पीस पीस करके तेल निकाल देंगे, बताओ रेती को पीसने से तेल निकलेगा, नहीं। कहते इसको मैं कभी मान सकता हूँ। कोई अगर बोले पानी को मंथन करते करते घी निकाल दूंगा, पानी से कभी घी निकलेगा, बोले ये कभी संभव हो सकता है। अगर कोई सोचे बाज का बेटा हो गया और इसलिए तो बाज उसको बेटा ही नहीं, कोई बोले आकाश में फूल खिल गया, आकाश में कोई फूल खिलते हुए देखते हो, कहते ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले कछुए के पीठ के ऊपर पाल उग जाए, कभी होता ही नहीं, खरगोश के सींग उग जाए, बर्फ के ऊपर में आग प्रकट हो जाए, उनने ये 7 उदाहरण दे करके बताए ये असंभव कभी संभव हो सकता है। अगर दुनिया में कोई बोले हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते हम तो बड़े सुखी है, गोस्वामी जी कहते हैं मैं कभी इसको मान ही नहीं सकता हूँ। भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी शांति सुख नहीं मिलता। इसलिए जीवन में उतना शांति सुख में हम रहेंगे जितने हम ठाकुर जी की शरण में जाएंगे। इसलिए इनका पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसका उत्तर में श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रदोक्षजे आहै तुकी अप्रतिहता यया आत्मा सम प्रसीदति। बोले आत्मा को कब शांति मिलेगी, बोले जब जीव निष्कपट रूप में भगवान के चरण में शरणागत लेगा तभी जीवन में उसको शांति मिलेगी। लेकिन सब कहते हैं हम तो भगवान को भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए, तब उन्हें 2 उदाहरण देकर समझाए। हम तो भक्ति करते हैं पर शांति क्यों नहीं मिलती है, बोले जैसे करनी चाहिए हम वैसे नहीं करते। पहला नंबर बताए
भक्ति में कोई कामना वासना तुम्हारी नहीं है, लेकिन हम भगवान के दरबार में जाते हैं, 10 रुपया की माला ले लिया, ठाकुर का 10 रुपया की माला नहीं तो फल चढ़ाएंगे, बोले ठाकुर जी देखो सामने वाले घर में देखो कितने सुंदर गाड़ी, अभी हमारे घर में साइकिल भी नहीं है, उसको 3 तला मंजिल है, अभी हमारे 1 मंजिल भी नहीं है, हैं हमारी बेटी की अभी शादी नहीं हुई, बेटा का नौकरी नहीं लगा, 10 रुपया का तो सामान चढ़ाएंगे, लेकिन जो पर्ची ना कम से कम 10 करोड़ की तो पर्ची रख ले। बोले ठाकुर जी इसलिए तुम्हें 10 रुपया चढ़ा रहा हूँ, आप मेरे घर में आओ, बेटे को शादी करा दो, बेटी को शादी करा दो, हमारी मकान बना दो, हमें बढ़िया गाड़ी बना दो, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, आप हमारे घर में नौकर बनकर सारे काम करो, इसको भक्ति नहीं कहते हैं, इसको भक्ति नहीं, ये तो कामना वासना हो गई। इसलिए हनुमान जी भगवान से क्या मांगे, बोले बार बार बर मांगो हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हनुमान जी कहते प्रभु मेरे को अनुपायनी निष्काम भक्ति प्रदान करो, आपकी चरण की हमें सेवा प्रदान करो, इसलिए भगवान की भक्ति करो, लेकिन उसमें कोई कामना वासना नहीं रहनी चाहिए। आप बोलोगे हम तो घर गृहस्थी है, हमको तो ये सब चीज चाहिए, क्योंकि हम सबके सब संसारी है। बोले भगवान को बोलने का जरूरत नहीं, आप भगवान की भक्ति करो और ठाकुर जी सब कुछ अपने आप ठाकुर जी कर लेंगे, उनको मांगने का कोई भी जरूरत नहीं, ठाकुर सब कुछ जानते हैं ठाकुर जी। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। और दूसरा नंबर बताए भक्ति कैसे होनी चाहिए, जैसे शहद को आप डालो ना, देखना उसमें एक धागा बन जाती है, कहते भक्ति ऐसे होनी चाहिए, भक्ति का बीच में कभी कठिन नहीं चाहिए, भक्ति निरंतर जमी हो, निरंतरता लगे रहे हैं, हर समय जैसे उनको याद रहे, हर कामों में हर चिंतन में जैसे प्रभु की एकदम उसमें डूबा हुआ रहनी चाहिए हैं। इसलिए कहते हैं सबई पुरुषांग परो धर्म, बोले जगत में जीव का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान को प्रेम करना ही, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं अगर जीवन में हम शांति और सुख चाहते हैं भगवान की शरण में चले जाए, जैसे हनुमान जी भगवान की शरण में गए, गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की शरण में गए, सूरदास जी ठाकुर जी की शरण में गए, आनंद ही आनंद। इसलिए भगवान से कुछ मांगने का जरूरत नहीं, देखो मांगने से एक दिक्कत क्या है, जैसे एक व्यक्ति सामने आ रहा है तो उन्होंने बताया भाई तेरे को क्या चाहिए, बोले हमको 1 लाख रुपया चाहिए, एक बार दे दिया, दूसरा बार आए बोले तुमको क्या चाहिए, बोले 2 लाख रुपया दे दिया, उसको दे दिया। अगर तीसरा बार वो व्यक्ति को अगर दूर से देखेगा ना वो अपना रास्ता मोड़ लेगा, बोले क्यों उसको पास में जानकर मांगता ही, ये मांगता रहता है, अगर ठाकुर जी को हर समय मांगते रहोगे ना फिर मंदिर में जाओगे तो ठाकुर जी भाग जाएंगे, बोले क्योंकि इसको पास में जाने पर ही मांगता रहता है, ये तो सेवा को जो करता है नहीं केवल मांगता मांगता रहता है, इसलिए ठाकुर जी रास्ता को मोड़ लेंगे फिर। इसलिए ठाकुर को ज्यादा मांगने का कोई जरूरत नहीं, उनको भजन करो। आप बताओ हनुमान जी को जगत में किस चीज की कमी है क्या, बताओ हनुमान जी को कोई कमी है, सूरदास जी को तुलसीदास जी को किस चीज की कमी है, वो भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करने का नाते ठाकुर जी सब कुछ ठाकुर जी उसको दे देते हैं, पूरा के पूरा ठाकुर जी उसको दे देते हैं, मांगने का कोई जरूरत नहीं, उनकी सेवा करो भक्ति करो और ठाकुर जी अपने आप तुम्हारी झोली भर देंगे, मांगने का कोई जरूरत नहीं ठाकुर जी को। अगर ऐसे अगर हम भक्ति करेंगे तो तभी ये आत्मा को शांति तभी मिलेगी। उनका जो दूसरा प्रश्न था कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या, इसलिए कल हम लोग ने सुना था, इसलिए श्री सुप्त गोस्वामी कहते हैं बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकोत भयम् योगिनां निपनिर्मित हरे नामानुकीर्तनम्। बोले एतत् निर्विद्यमानानां, जो संसार से सबके पूरा के पूरा मुक्त हो गए हैं, बोले इच्छताम् अकोत भयम्, अगर संसार में कोई अभय पाना चाहते हैं, बोले योगिनां नृप निर्मित
जितने ऋषि मुनि सबके सब एक ही बात बताए, कलयुग में अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं क्या करने चाहिए, बोले हरे नामानु कीर्तनम, बोले हरि का नाम कीर्तन करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, हरे सरल उपाय रखा, केवल ठाकुर जी का नाम करो। अभी प्रश्न होता है नामों में हमें कौन सा नाम करनी चाहिए, भगवान का तो अनंत नाम है। बताए सामने बैठने बात मत करो, जो जहां आकर बैठ जाए उनको वही बैठने दो, खुद ठीक से बैठ, ठीक है। और एक बात मैंने बताया था, अगर कथा सुनना है ना, ध्यान देकर सुनो बताए, अगर कथा सुनना है जो जिसको जानते हो ना उसको पास में मत बैठे, उससे थोड़ा अलग हटकर बैठो, उससे अलग हटकर बैठो, क्योंकि कथा फिर खुद नहीं सुनते हैं दूसरों को भी सुनने नहीं देते, इसलिए थोड़ी सी अलग हो जा फिर प्रेम से कथा सुनो। हाँ, इसलिए यहाँ पर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, भगवान कलयुग में अभी कौन सा नाम करनी चाहिए, नाम तो भगवान की अनंत है, हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, लेकिन हमारे श्री नारद देव पुराण में बताए, कलि संतरण उपनिषद में बताए, चार युग है सत्य त्रेतया द्वापर और कलि, ये चार युग में अलग अलग नाम है। बोले सत्य युग का लोग कौन सा नाम लेते थे, बोले नारायण परा वेदा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परा योगा, नारायणम परा मुक्ति। कहते सत्य युग का लोग, ये था सत्य युग का महामंत्र, इसको लेकर के लोगों को उद्धार होता था। तृतीया युग आ गया, तृतीया युग में कौन सा नाम लेते थे, बोले राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन, तृतीया युग में एक अलग नाम था। लेकिन जब द्वापर युग आया, द्वापर युग में लोग कौन सा नाम लेते थे, बोले हरे मुरारी मधु कैटभारी गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मांग जगदीश रक्ष। ये था द्वापर युग का महामंत्र है। अभी कलयुग में हमें कौन सा नाम जप करनी चाहिए, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कलि संतरण उपनिषद कह रहा है। कलि संतरण मतलब, संतरण मतलब होता है तैरना। कलयुग में अगर ये भवसागर को तैरते हुए कोई भगवान का चरण को पाना चाहता है, उनको क्या करनी चाहिए, कौन सा नाम लेनी चाहिए, ये पुराण कह रहा है, भविष्य पुराण कह रहा है। शंकर जी ये बात पार्वती को भी यही बात कहते हैं, बोले इति षोडशक नामनम कलि कल्मषनाशन, शंकर स्वयं कहते पार्वती, बोले कलियुग के कौन सा नाम लेनी चाहिए, बोले हरे कृष्ण सब इधर हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और एक बार बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम महामंत्र है। इसलिए यही नाम को जप करना पड़ेगा। देखो आज एकादशी है, अगर एक बार आज ठाकुर का नाम लोगे ना, तुमको 100 बार नाम लेने का फल मिलेगा। आज एकादशी है ना, आज जो एकादशी का नाम है पाप मोचन, उसका कथा आगे आपको सुनाऊंगा। आज का एकादशी करने का कितना पुण्य है, आगे इसकी कथा आपको सुनाऊंगा। इसलिए हम जानबूझ करेंगे ना आपको बारम्बार ठाकुर का नाम लिवा लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर एकादशी में, विशेष करके एकादशी में एक बार नाम लेने से 100 बार नाम लेने का फल मिलेगा।
और यहाँ पर कितने सारे भक्त लोग बैठे हुए, जब हम जोर से नाम लेते हैं सबका नाम सबके कानों में जाता है। नाम तो एक बार लोगे, लेकिन एक बार लेने से यहाँ पर जितने भक्त मानो 340 भक्त लोग बैठे हुए, आपको एक साथ में 340 बार नाम लेने का फल मिल जाएगा। और आज एक बार नाम लोगे तो 100 बार नाम लेने का फल मिलेगा। आप इसको गिनती करो कितना होता है, आप सोच नहीं सकते। आज भगवान का नाम लेने का इतने पुण्य है, बड़ा पुण्य है आज ठाकुर को। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग में भगवान का नाम ठाकुर जी कितने आसानी बना दिया। बोले नाम नाम का ही बहुधा, भगवान का अनंत नाम है। बोले निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता, ठाकुर ने क्या किया अपना नामों में, उनने सारे शक्ति ठाकुर जी अपना नाम में दे दिया है। इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। आनंद में निकला यह परिणाम, आनंद में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से पवित्र बन करके रहोगे तब भी मेरे नाम ले सकते हो, जब अपवित्र हो मेरे नाम नहीं ले सकते। ठाकुर ये नहीं बताए, किसी समय में भी ठाकुर का नाम ले सकते हो। बोले एक समय कोई एक तेली था, दिन भर तेल निकालता था, बैल बाहर ढा 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 निकलता था। एक दिन नारद जी को साथ में मिले, नारद जी ने कहा भैया भगवान का पूरा नाम आप लेता कि नहीं, भक्ति करता कि नहीं, बोले समय नहीं, दिन भर तेल निकालने में समय चले जाता है। बोले दिन में तभी तो थोड़ा समय मिलता होगा। बोले हाँ मिलता है, जब मैं शौचक्रिया में जाता हूँ ना, समझ लीजिए नहीं, जब मैं शौचक्रिया में बैठता हूँ केवल तभी मेरे पास में समय, नहीं तो मेरे पास में कोई समय नहीं। नारद जी ने कहा भैया तभी भी नाम ले सकते। बोले कैसे, मैं वहाँ तो पैखाना करने जाता हूँ, अपवित्र रहता हूँ, नाम ले सकता हूँ। बोले क्यों नहीं, ठाकुर जी क्या बताए। बोले ठीक है। इतने में जब उसने शौच क्रिया में गए ना बैठ करके, बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता, अभी भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कहते जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तन, कहीं भी अगर प्रभु राम का कीर्तन होना सबसे पहले श्री हनुमान लाल पहुंचे। इतने में हनुमान जी ने सोचा शायद कोई है, कोई मेरे गुरु भाई होगा जो मेरे भगवान का नाम ले रहा है। इतने में हनुमान जी एकदम हनुमान जी वहां पर पहुंचे। जब वह हनुमान जी पहुंचे देखा ये तेली दिन भर पैसा पैसा करता रहता है, तेल निकालता है, उसको समय नहीं मिलता। अभी ये अपवित्र अवस्था में और रघुपति राघव राजा राम, हनुमान जी को तो बड़ा क्रोध आया। अब मेरे तरफ में देखो, माता एक बात मत करो, ये माता है ना, ये कोई आ गया तो सब कथा छोड़ देते हैं। आप जो यहाँ बैठे हो अब बात मत करना, जो आएगा बैठ जाएगा। देखो आप सामने बैठे हो, आप ध्यान से बैठोगे ना मैं ध्यान से कथा कर सकता हूँ, जो आएगा वो बैठ जाएगा। और फिर जल्दी आना,
ऐसे नहीं कथा शुरू होने से पहले आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इतने नहीं, हनुमान जी वहां पर पहुंचे, बोले दुष्ट दिन भर तेल निकालते रहते हो, समय नहीं, अभी अपवित्र अवस्था में शौच क्रिया में बैठे हो, और रघुपति राघव राजा हनुमान को राग क्रोध आया, एक लात उसको मारे, जो मारे ना वो तेली को कुछ भी नहीं हुआ, इधर उधर होकर फिर चुपचाप बैठ गया। अभी हनुमान जी शाम को प्रभु की चरण की सेवा के लिए पहुंचते हैं, जब राम की चरण की सेवा के लिए पहुंचे, देखा भगवान राम तो कर्रा रहे थे, बड़ा दर्द है। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु लगता है कमर में बड़ा दर्द है, बोले हाँ, बोले कैसे, बोले एक बहुत बड़ा बंदर ने लात मार दी, बोले बंदर ने आपको लात मारी, ऐसे किसके ऐसे इतना हिम्मत मेरे प्रभु को लात मारी, उसको नाम बताओ, अभी जगत से बंदर सुनने कर दूंगा। बोले प्रभु उसका नाम बताओ, बोले नाम नहीं बताया जाएगा, बोले प्रभु बताओ ना वो व्यक्ति है कौन, किसने मेरे प्रभु को लात मारी, बोले हनुमान जी, बोले मैंने तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं तो आपका हृदय में हर समय आपको बैठा कर रखता हूँ, आपकी चरण की सेवा करता हूँ। भगवान राम ने कहा, हनुमान जी तेरी इतने शक्ति, तुमने रावण को एक मुक्का मारा था, हनुमान जी कौन, स्वयं शंकर जी है, तुमने एक मुक्का मारे तो रावण जैसे व्यक्ति बेहोश हो गया, तुमने वो तेली को जब लात मारी, वो तेली को कुछ हुआ था, बोले नहीं प्रभु, तो इधर उधर कर फिर बैठ गया, बोले जब वो मेरा नाम ले रहा था ना, और मैं और मेरे नाम में कोई फर्क नहीं, मैं नाम रूप में ही मैं अवतरी न हूं, लात मारे तो तू मेरा नाम ले रहा था, मेरे कमर में लगा है। हनुमान तो कान पकड़ लिए, बोले प्रभु भविष्य में ऐसे कभी गलत नहीं करूंगा। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान कलियुग में कितनी आसानी बना दिया नाम को, कभी भी कर सकते हो। इसलिए बोले, बोले भगवान के नाम कैसे हैं, बोले भगवान का जो नाम है, कहते जिह्वा च वसवर्तिन सुलभम भगवत नाम। भगवान ये नहीं कहते हैं, अगर तुम मेरे नाम लोगे ना तेरे कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठाकुर बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं, सुलभम भगवत नामम, बोले जिह्वा च वसवर्तिन, ये जिह्वा को जो बोले ना जिह्वा वही बोलेगा, अगर बोले राम राम कृष्ण कृष्ण बोल ये बोलेगा, अगर बोले चुगली कर बोले चुगली में लग जाएगी, ये जिह्वा ऐसे है, ये तुम्हारी वश में है। लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं, तब भी ये कलियुग में आश्चर्य चीज है, तब भी ये हरिनाम नहीं करते, हरिनाम नहीं करते, बैठ करके इधर उधर की बात में लगा देंगे, लेकिन प्रभु की नाम नहीं करते हैं। कहते भैया फिर इनकी कल्याण कैसे होगा, इनकी उद्धार कैसे होगा जिनको। इसलिए हमारे श्री एक संत कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं, वो नाम लेने का साथ साथ तीन काम हो जाता है, कितना काम हो जाता है, आज मैं बोलूंगा कल को एक एक कर पूछूंगा, अभी देखूंगा किसको याद है। देखो शास्त्र कहता है, जो भगवान का नाम लेगा तीन काम हो जाएगा, बोले पहला क्या काम, बोले नरक में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, बोले चित्रगुप्त कौन है, बोले चित्र मतलब क्या है, फटो, गुप्त मतलब छुपा करके, हम जो जो कर्म करते हैं, अगर कोई सोचे हम रात में कुछ कर रहे, दस तला बिल्डिंग ऊपर बैठ करके दरवाजा बंद करके कर रहे, कौन देख रहा है, बोले रात सब जगह में, ये दस दिशाएं हैं, तीन में अगर कोई काम कर रहे हो, ये सूर्य का किरण वहां पर है, कुछ भी काम आप छुपा करके नहीं कर सकते। जो माताएं आ रही हो सामने, उनका आने मत दिया करो, अब वहीं पर बैठो माता जी, वहीं पर बैठो, बाद में पैसा दे देना, वहीं पर बैठ सकते, आगे नहीं आना, कोई भी आए उनका आगे मत दिया करना, ये रास्ता को बंद कर दो, ये रास्ता को बंद कर दो, वहीं पर बैठ जाओ। भैया एक व्यक्ति पीछे रहो, जो माताएं आती हैं उनको आगे मत दिया करें, जो आए वहीं पर बैठ जाए, कोई सामने नहीं आए। इसलिए पहला क्या काम है, हाँ देखो ध्यान देकर सुना, माताएं कोई बात मत कर, चुपचाप बैठ जाओ, अब डिस्टर्ब करते सब, भैया जो पीछे आते हैं माताएं ना उनको वहीं बैठा देना। इसलिए पहला काम है, ये जब महाराज चित्रगुप्त को कहते हैं, हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं वो सब चित्रगुप्त लिख रहा है, गुप्त छुपा करके सारे फोटो हमारे ले रहा है, कोई काम को हम छुपा करके नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखो ठाकुर का जो नाम लेते हैं, कितने शक्ति प्रभु का नाम है, जब स्वयं कहते चित्रगुप्त डायरी ले आ, और ये व्यक्ति जो नाम ले रहा है इसका नाम को यहाँ काट,
ये कभी और नर्क नहीं आएगी। क्यों? वो ठाकुर का नाम ले रहा। दूसरा काम किया, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाते, बोले सखी रजिस्टर ले आओ, डायरी ले आओ, ये व्यक्ति का नाम लिख दो। बोले क्यों? बोले ये भगवान का नाम ले रहा है ना, वो सीधा गोलोक वृंदावन आएगा और नर्क नहीं जाएगा। बोले तीसरा काम क्या है? बोले पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में आरती का थाला सजाना शुरू कर देते। बोले क्यों? बोले ये ठाकुर का नाम ले रहा है ना, भूर भुग मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए जब गोलोक वृंदावन जाएगा, मैं उसको आरती उतारूंगा, मैं उसको आरती उतारूंगा। इतने भगवान का नाम लेने की इतने महत्व है। लेकिन ठाकुर जी क्या कहते हैं हम आगे सुनेंगे। ये भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे, बोले माँ मेरे नाम को कौन ग्रहण कर सकता है? बोले जो पूर्व जन्म में चार काम कर चुके हैं तभी इसी जीवन में मेरे नाम ले सकता है। बोले चार काम क्या है? बोले अहो बत सपोच अतो गरिया। सपोच मतलब होता है ये कुत्ते का मांस कोई खाते नहीं, चंडाल लोग खाते हैं। अगर वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो, अगर मेरे नाम को ग्रहण कर रहा है क्या समझो। बोले पूर्व जन्म में चार काम करके आए। बोले पहला काम किया, बोले पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, पृथ्वी में कितना तीर्थ है बोलो, मैं कल सुनाया था, पृथ्वी में कितना तीर्थ है जोर से बोलो, छह अरब तीर्थ है। बोले 600 करोड़ तीर्थ है। पूर्व जन्म में जो 600 करोड़ तीर्थ को पहले भ्रमण कर चुका, सारे तीर्थ जो कर चुका है। दूसरा काम है, जगत में जितने तरह का यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, बड़े से बड़े यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ करना, स्वर्ग का इंद्र बन जाते हैं। पूर्व जन्म में जिसने सारे यज्ञ कर चुका है। तीसरा काम है, पूर्व जन्म में जितने बड़े से बड़े जो दान कर चुका है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोल चुके हैं, अन्न छत्र खोल चुके हैं। और चौथा काम है, पूर्व जन्म में जिसने सारे तपस्या कर चुके हैं, भगवान कहते हैं माँ बोले अहो बत सपोच अतो गरिया जत जिह्वा गिर वर्तते नाम तुभ्य। बोले संपूर्ण जिह्वा नहीं, जिसकी जिह्वा की अग्र में ये भगवान का नाम लेता है माँ, इतने पुण्यात्मा ये व्यक्ति, इतने पुण्यात्मा। इसलिए क्या करनी चाहिए, समय को कभी भी बर्बाद नहीं करते हुए। ऐसे नहीं दो चार माताएं बैठ गए, हाँ उसकी बहू की चर्चा, उसकी बेटी की चर्चा, दुनियादारी की बात, बिना फजूल की बात को बस बकबक बकबक करने लग गए। इसलिए आज कुछ माताएं तुम्हारी गुजर माताएं आकर के माला लेकर गए, मैंने को कसम खिलाया ये माला लेकर के जाओ, इधर उधर की बात नहीं करना, क्योंकि आप जिसकी चर्चा करोगे उसका सारे पाप तुम्हारे पर आएगा, जिसकी तुम बुराई करोगे तो उसको सारे पाप तुम्हारी अंदर में आएगी और कहीं नहीं जाएगी। इसलिए इधर उधर का बुराई नहीं करके ये माला ले रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर का नाम जप करोगे, जितने प्रभु का नाम लोगे उतना पाप दूर जाएगी, हाँ उतना कष्ट दूर जाएगी, जीवन में उतना शांति मिलेगी। ये एक चीज को गांठ बांध कर ले जाने, यहाँ से चुगली बुराई नहीं करके माला लेकर के ठाकुर जी की भजन करना, जिससे तुम्हारी भी कल्याण और दूसरों को भी कल्याण हो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कलयुग में भगवान को पाने का सबसे जो सरल उपाय है हरि का नाम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के उतरा
आकार नहीं होता, निराकार है। कोई कहता है भैया अपना हृदय में अंगुष्ट रूप जो परमात्मा को ध्यान करो, कोई कहता है भैया राम कृष्ण को नारायण को पूजा करो। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कभी कभी लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते, करते करे किया क्या ठाकुर निराकार है क्या, ना परमात्मा को हृदय में ध्यान करो ना क्या करे। यहाँ पर सुतो गोस्वामी बहुत एक अच्छी बात कहते हैं, बोले कहते भगवान एक है। हम कहते ना भगवान एक है, लेकिन एक होने पर भी उनका तीन रूप है, एक ब्रह्म रूप, एक परमात्मा रूप और एक भगवान रूप। इसलिए उनका तीन तरह का भक्त है। कहते उनका जो ब्रह्म रूप जो निराकार रूप को कहते उसको कौन पूजा करता है, माता चुपचाप बैठे नक्की बुलाओ। इसलिए कहते उनको जो जो निराकार रूप को उसको कौन पूजा करता है, बोले ज्ञानी लोग उनकी निराकार रूप को, ये ज्ञानी लोग उनको पूजा करते हैं। उनका दूसरा रूप है ये परमात्मा रूप, एक अंगुष्ट परिमाण परमात्मा रूप है जो हृदय में जिनको ध्यान करते हैं इनको योगी लोग उपासना करते हैं। उनका जो तीसरा रूप है जैसे भगवान कृष्ण है, राम है, नारायण है, बोले इनको कौन पूजा करते हैं, इनको उनका भक्त लोग पूजा करते हैं।
अभी ये चीज अभी प्रश्न है, क्या ये सबके सब बराबर ना सबके सब अलग है? तब इसको एक अच्छे उदाहरण देकर समझाए, आप भी अच्छे तरह से ये चीज को समझ जाओगे ना, एक बहुत बड़ी चीज को समझ जाओगे, नहीं तो जिंदगी भर भटकते हुए रहोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत कह रहा है। तब एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आम का सीजन है, बड़े सुंदर दशहरी चौसा आम मार्केट में आया। एक राजा एक सेवक को कहता है, मैंने सुना है बड़े सुंदर दशहरी चौसा आम आया, जाओ तो देख कर क्या। वो गया दूर से देखा, बड़े सुंदर पके पके हुए हैं, पीले पीले रंग के आम हैं। वो देख करके आ गया, बोले महाराज हमने देखा बड़े सुंदर आम है महाराज, केवल देख करके आ गया। उन्हें दूसरे सेवक को भेजा, बोले भैया तुम जाओ देख करके आओ। दूसरा सेवक गया, देखा, उसको स्पर्श किया, देखा पका हुआ, सूंघा, वहां से आ गया, बोले महाराज मैं देख करके आया, सूंघ करके और स्पर्श करके आया पका हुआ। उन्हें तीसरे सेवक को भेजा, तू देख करके आ। तीसरा व्यक्ति गया, देखा बड़ा सुंदर आम, स्पर्श किया, देखा नरम पक्के सूंघा मीठा, बोले 5 किलो आम। वो आम को लाया और अच्छे ठंडा पानी में भिगवाया, भिगवा करके अमुनिया किया, ठाकुर जी को तुलसी पत्ता देकर के भोग लगाया, और तुलसी पत्ता देकर भोग लगा करके जब उन्होंने आम खाया ना, देखा इतना मीठा आम, इतने स्वादिष्ट आम, बोले महाराज बड़ा सुंदर मीठा आम। देखो ये आम तीनों को मिला कि नहीं? तीनों को मिला, लेकिन ये मिलने पर क्या बराबर मिला है? यही चीज को समझो। जो व्यक्ति केवल उनको दूर से देख करके आ गया, कभी ये कौन? बोले वो ज्ञानी है जो भगवान को एक निराकार मानता है। जैसे सूरज है, यहाँ से क्या दिखता है? एक अग्नि पिंडला, और कुछ नहीं दिखती है, इतना ही दिखती है। लेकिन उनका घर है, उनके मकान है, उनकी पत्नी है, उनको 9 घोड़े हैं। लेकिन हम दूर से क्या दिखता है? सूरज केवल एक प्रकाश, एक अग्नि पिंडला जैसे, इतना ही दिखता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को भेजा, भैया तू जा देख कर का। उसने देखा, स्पर्श भी किया, ले और केवल वापस आ गया। बोले ये कौन है? बोले ये योगी है जो अपना हृदय में भगवान को एक अंगुष्ट परिमाण, भगवान को हृदय में जे केवल ध्यान करता है और कुछ नहीं करता है। लेकिन जो लास्ट में गया, जो व्यक्ति देखा, स्पर्श भी किया, सूंघा और 5 किलो आम लेकर आया और ठाकुर जी को भोग लगाया और अमनिया करके जब भोग प्रसाद पाया, बोले भैया बड़ा मीठा आम है। इसलिए लास्ट में जिसको मिला है, तो पूर्ण रूप में आम किसको मिला? बोलो जो लास्ट में गया। कहते ये कौन है? ये भक्त है, ये भक्त है जिनको पूरा जो पूरा पूरा जो पूरा मिला। जैसे समझो हनुमत लाल जी, वो क्या करता है? भगवान राम की सेवा करता कि नहीं? अब रामायण देखे, अगर कभी जरूरत पड़े ठाकुर को कंधे में बैठा कर ले जाता है। ठाकुर जब शयन करते हैं, हनुमान जी चरण की सेवा करती है। जैसे गोपियां हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करती है ना, सुंदर कृष्ण के लिए कुंज बनाती हैं, ठाकुर जी की सुंदर सेवा करते हैं, राधा रानी कृष्ण के लिए रसोई बनाती हैं, भगवान को खिलाती हैं, मैया जसोदा भी सेवा करती हैं, सखा लोग कृष्ण को साथ में खेलते कूदते हैं, हैं? इसलिए जो भगवान है, कोई आप किसको मुंह से नहीं सुनोगे ज्ञानी का भगवान, कोई कहते हैं योगी का भगवान? कोई नहीं कहते। किसके भगवान है? अरे बोलो जोर से, आप बोलो भगवान किसके हैं? भक्त के भगवान है भगवान, और किसकी नहीं? ज्ञानी का भी नहीं, योगी का भी नहीं, कर्मी का भगवान नहीं, भगवान केवल भक्त का ही भगवान। इसलिए उनका एक नाम है भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान केवल प्रेम को द्वारा ही ठाकुर मिलते हैं। इसलिए सूरदास जी ने एक भजन गाया है, बोले सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। जगत जत्ते भी जगत में बहुत संबंध है, लेकिन सबसे बड़ा संबंध क्या है? भगवान सबसे ज्यादा किसको द्वारा बसीभूत होते हैं? प्रेम को द्वारा बसीभूत होते हैं। इसलिए सूरदास जी एक एक उदाहरण देकर के उन्होंने बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। अब लोग महाभारत सुनेंगे, जब भगवान शांति दूध बन करके आए, दुर्योधन छापान भोग 36 व्यंजन बनाकर रखे थे,
ठाकुर ग्रहण नहीं किए। कहाँ गए ठाकुर जी? विदुर जी को घर में गए और विदुरानी विदुर नहीं थे, कलिका छिलका खिला रहे थे, भगवान बड़ी प्रेम से पा रहे थे। जब विदुर जी आए बोले पागली क्या कर रहे हो, भगवान को कलिका छिलका खिला रहे हो और केले फेंकते दिए जा रही है। जब उसको ध्यान आया ना बोले मैं क्या कर रही हूँ, ठाकुर जी का छिलका खा रहा हूँ, ठाकुर जी कहाँ रहे थे। लेकिन जब ठाकुर जी को केले खिलाए ना, इतने में कृष्ण कहते विदुर पहले केले का छिलका में जो स्वाद आ रहा था अभी ये स्वाद केले में नहीं आ रहा है, मैं केला भी नहीं खाता, केले का छिलका भी नहीं खाता, क्या खाता हूँ, केवल मैं प्रेम ही ग्रहण करता हूँ। दूसरा उदाहरण दिए उन्होंने, और महाभारत युद्ध में भगवान कौन सा काम किया है, बोले अर्जुन का रथ हान के भूल गए ठाकुराई, स्वयं सारथी का ठाकुर जी काम कर रहे थे हैं। इसलिए जब भगवान राम सबरी के घर में आए ठाकुर जी क्या खाए, झूठे बेर खाए और बहुविध स्वाद बताए। बोले सबरी आज तेरे झूठे बेर में जो स्वाद आ रहा है, वैकुंठ में मेरी लक्ष्मियां मेरे को जो खिला दिए उसी में भी इतना स्वाद मुझको नहीं आते हैं। और लास्ट जो उदाहरण दिया है बोले हर नाई, एक नाई था लेकिन उसका रोज काम था दुर्योधन का शरीर में तेल लगाना, स्नान कराना। लेकिन उधर बड़ा संत से भी कोई घर में संत आ जाए ना खूब सेवा करना है। एक दिन क्या हुआ उसको घर में संत आ गए, जब संत आ गए लेकिन उसी समय में दुर्योधन की सेवा भी, अभी सोचा मुझे क्या करनी चाहिए, अगर संतों का सेवा छोड़ता हूँ फिर तो दुर्योधन की क्या होता है, सेवा करो संत सेवा जाएगा, अगर दुर्योधन की सेवा करो तो संतों की सेवा छूटेगी। लेकिन भगवान तो संतों के हृदय में ही रहते हैं, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं अगर मेरे को प्रसन्न करना चाहा तो मेरे संतों को खुश कर दो, मेरे संत अगर खुश हो गए मैं उनके हृदय में रहता मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ। उसने सोचा ये दुष्टों का सेवा करता हूँ आज संत सेवा करूँगा, आज जो होगा देखा जाएगा। इतने में उन्होंने संतों की सेवा करना शुरू कर दी, बड़ी सुंदर उन्होंने दाल चावल सब्जी बनाए, ठाकुर को भोग लगाया, संतों की सेवा किया। अभी ठाकुर तो चिंता में लग गए, बोले क्यों, बोले तो मेरे संतों की सेवा कर रहा है, दुर्योधन दुष्ट है, हो सकता है मेरे भक्तों को दंड देगा नहीं तो नौकरी से निकाल देगा। कृष्ण स्वयं वो हर नाई का रूप बन करके ले करके दुर्योधन घर में पहुंच गए और दुर्योधन को शरीर में तेल लगाना शुरू कर दिया। ठाकुर जी दुर्योधन का हे तेरे हाथ में आज क्या कोई जादू है ना क्या, तू शरीर को स्पर्श करते ही मेरे रोम रोम खिल रहा है, आंखों से आंसुओं की झरी बह रही है, क्या तेरे हाथ में कोई जादू है ना क्या। दुर्योधन इतने खुश हुआ बोले जिंदगी में मेरे को आज जो आनंद कभी ऐसा आनंद नहीं मिला। उसकी गले में जो हार था ना गजपति हार उसने निकाल करके हरनाई की गले में पहना दिया। लेकिन वो कौन थे, वो कृष्ण थे। जब भगवान की गला में पहुंचाया अभी इधर हरनाई ने क्या की, संतों की सेवा करते हुए देर हो गई, जब दुर्योधन के पास में पहुंचे बोले हे भगवान पता नहीं आज क्या हो, दुष्ट ही दंड दे सकता नहीं तो नौकरी से निकाल देगा। जब उन्हें दुर्योधन के घर में पहुंचाए लेकिन ठाकुर जी के गला में तो हार पहलाए लेकिन वो हार अपने आप हरनाई की गला में आ गया, लेकिन उसको पता नहीं मेरे गले में हार है। जब डरते हुए दुर्योधन के पास में पहुंचे हरनाई ने कहा महाराज आज मेरे देर हो गई, घर में कुछ संत लोग आए थे उनको सेवा करते करते देर हो गई, मेरे अपराध को माफ कर देना। बोले क्यों, आज तुमने इतने मेरी सेवा की, इतने सेवा की, जीवन में कभी इतना आनंद मेरे को मिला ही नहीं है। बोले नहीं मैं नहीं आ पाया टाइम पर, मेरा अपराध हो गया। दुर्योधन को थोड़ा क्रोध आया, वैसे तो दुष्ट है। बोले ओ तेरे को इतने कीमती हार दे दिया ना इसलिए तू इतरा रहे हो है, तू इतना अभिमान कर रहे हो। लेकिन उसको गले में हार उसको पता नहीं, इतने में दुर्योधन क्या किया, उसको गले में जो हार था उसको पकड़ा और उन्हें खींच लिया। जब खींच लिया हरनाई ने सोचा भैया मेरे गले में हार कहाँ से आया, मेरे घर में तो हार थी नहीं, लेकिन वो तो संत है वो जानता है। बोले ओ आज मैंने संतों की सेवा की ना इसलिए ठाकुर जी आज मेरे रूप धारण करते हुए ये दुष्ट की सेवा करना पड़ा ठाकुर जी को, इसलिए आज से इसका और हम सेवा नहीं करेंगे, उसकी सेवा को छोड़ दिया। इसलिए सूरदास जी कहते हैं बन गए हर नाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान प्रेम को द्वारा इतने वशीभूत होते हैं और किसी को द्वारा इतना वशीभूत नहीं होते। अगर भगवान अगर निराकार होते तो
अगर उनका रूप नहीं रहता फिर राम कहाँ से आए, ये कृष्ण कैसे आए, ये संतों की सेवा कैसे की, फिर हम लोग कहाँ से आ गए। हमारे किसी शास्त्र में भगवान को निराकार कोई बताया नहीं। आप भागवत पढ़ करके देखो, ध्रुव जी ने जब भगवान को उपासना की, आज सुनेंगे भगवान साक्षात दर्शन दिया कि नहीं। जब प्रहलाद ने भजन की तब उसको पिताजी ने पूछा तेरे भगवान कहाँ, मेरे बोले भगवान मेरे सर्वत्र भगवान है, बोले खंभे में किया है पर मेरे को तो दिख रहा है, मैंने पुष्टि का घात किया तो साक्षात नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। अगर भगवान निराकार होते तो कहाँ से आ गए ठाकुर जी। इसलिए हमारे कोई भी, आप गीता पढ़ो, कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कृष्ण, कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बोले पिता अहम अस्य जगत दाता माता पितामह हे अर्जुन, ये विश्व ब्रह्मांड का मैं ही पिता माता भाई बंधु। इसलिए कहते हैं ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव है। इसलिए आप बाइबल पढ़ करके देखो, ये क्रिश्चियन का ग्रंथ है, वहां पर कहते गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये बाइबल कहता है, बोले भगवान ने अपना जैसे इंसान को बनाया, ये बाइबल कहता है। अब मुसलमान का पुराण पढ़ करके देखो, वहां पर कहते अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया है, ये मुसलमान ग्रंथ कहता है। और भागवत में आप पढ़ करके देखो राधा रानी क्या कहती है, बोले बरहा पिडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्मिकारम विप्रत पास कनक कपिसयम वैजयन्ति च मलम। राधा रानी स्वयं कहती है कृष्ण कितने, देखो ठाकुर बैठे ना यहाँ पर, ठाकुर कन्हैया यहाँ पर बैठे ना तुम्हारी कन्हैया, अगर निराकार होते तो इतना सेवा कहाँ से की। भगवान कभी निराकार नहीं, उनको निराकार कहना इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत कह रहा है, जिसने विश्व ब्रह्मांड को रचना की, जिसने भगवान युद्ध की, भक्तों को बारंबार बुलाओ तो ठाकुर जी जिनको रक्षा करने आते हैं, अगर निराकार हो तो कहाँ से आ जाते रक्षा करने के। इसलिए ठाकुर कभी निराकार नहीं, ठाकुर जी बड़े सुंदर, ठाकुर जी राम बड़े सुंदर है, हमारे लाला कन्हैया बड़े सुंदर ठाकुर जी का। इसलिए भगवान को कभी निराकार नहीं कहना, ये सबसे बड़ा पाप है। ये कौन कह रहा है, ये भागवत कह रहा है, भगवान साकार है, भगवान है। देखो तुम्हारे पिताजी निराकार है ना, तुम्हारे पिताजी के पिताजी निराकार है, अगर निराकार हो तो कहाँ से आगे बता। भगवान हमारे है ना, हमारे रूप कैसे है, देखने में राम जैसे कृष्ण जैसे, कृष्ण की कितने आंखें हैं, कृष्ण और राम को आंखों में मिला कर देखो तुम्हारी आंख मिलेगा कि नहीं। कृष्ण की दो हाथ, राम की दो हाथ, हमारे कितना हाथ है, दो है ना, राम की दो पैर, कृष्ण के दो पैर, तुम्हारे कितना प्यार है, चार प्यार ना, दो प्यार है ना। भगवान की 32 दांत, तुम्हारे कितने दांत है, 32 दांत है ना। इसलिए भगवान का हम बच्चे हैं, भगवान की हम औलादे हैं, इसलिए भगवान जैसे हम भी वैसे हैं। लेकिन एक डार्विन हुए, नाम सुने होंगे, एक साइंटिस्ट हुए डार्विन, उसने लोगों को कन्फ्यूज करवा दिया। उन्होंने क्या बोल दिया, हमारे पूर्वज लोग बंदर थे, उनका पूछ कटते 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 जब खत्म हो गया हम इंसान बन गए। भैया अगर बंदर का पूछ कटते कटते खत्म हो गया, अभी कितने सारे बंदर घूम रहे हैं, उस समय क्यों बंदर इंसान हो गए, अभी तो बहुत सारे बंदर, एक बंदर इंसान को बन रहा है, नहीं बन रहे हैं। इसलिए डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, बोले मेरे को सरकार ने बताया था तुम ये इसको स्थापन कर दो, हम बंदर से आए, फिर क्या होगा, लोग सबके सब नास्तिक बन जाएंगे, भगवान की भजन नहीं करेंगे। इसलिए ये गवर्नमेंट ने मेरे को जोर जबरदस्ती किया था, लास्ट में डार्विन मरने से पहले बोल कर गया भगवान निराकार नहीं है, हैं? हम बंदर से हम बने नहीं, हम कहाँ से आए, हम भगवान की औलाद, हम भगवान की संतान हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान भक्तवत्सल हैं, साकार हैं, निराकार नहीं। एक गोपी का भाव है, कन्हैया को निमंत्रण देकर के और वो अपने घर चली गई सास ननद के डर से, और रात दिन कन्हैया को चिंतन करे कि कन्हैया मेरे घर कब आए, वो कब मैं बापू लाल लड़ाऊंगी, कब मैं बापू माखन मिश्री खवाऊंगी, और कब मैं बाके तिलक लगाऊंगी।
ये ब्रज का हसिया है, सभी मस्त मस्त होकर के आनंद लेंगे। पिंडरवानी के छिलका खाए, सीवरी भीलनी के बेर खाए और सुदामा के तंदर प्याज देते हरी, गाड़ी भरे पकवान को रीझ जाते हैं हरी, एक कोस पर एक पान पर। सभी भक्तों से मेरा निवेदन, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे एक बार, बोले भक्त भक्त भगवान की जय 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 जय। आइए आनंद लेते हैं। गुजरिया खोल की वरिया, अरे गुजरिया तू रोज रोज मेरा चिंतन करो करती, और पता है अब मैं तेरे द्वार पे आएगा, पता कहाँ देख है गुजरिया, अरे खोल ना साकर खोल। गुजरिया खोल की वरिया, गुजरिया खोल की वरिया, गुजरिया खोल की वरिया, तू या बैठी खोरी नारी और मेरा नहीं या बैठो प्रेम पुजारी। अरे गुजरिया लगाए ले पीठ गुजरिया, लगाए ले पीठ गुजरिया, ¡Gracias!
शिव को प्रेम से गुरु बुलावे और पा को प्रेम मेरे मन भावे। ये तो ऐसा है कोई मुझे प्रेम से बुलावे मैं बाकी करना ही हूँ। खवाए माखन तू गुजरिया, चखाए माखन तू गुजरिया। मुझे पता नहीं था कि महाराज जी सरसिया के लिए मुझे आया आदेश कर देंगे। मैं अपनी चुंदरी नहीं लेके आया। खवाए माखन तू गुजरिया, चखाए माखन तू गुजरिया। कहूँ नहीं दामोदर आ गए, दामोदर कन्हैया गुलाम
रोज रोज तुम कोई बुलावे कबूर नहीं दामोदर आवे। देखो जब भगवान की बात हो ना और गोपिन की बात हो तो हमारे गुरुदेव भी प्रसन्न नहीं आए। रोज रोज तू मोह बुलावे कबूर नहीं दामोदर आवे। रोज रोज तू मोह बुलावे भारत अद्भुतान मधर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। भागवत में भगवान की 26 अवतार के नाम यहाँ आया है। ठाकुर का जो पहला अवतार है ब्रह्मा का सर्वप्रथम मन से जो सृष्टि की ये चतुसर ये मानस पुत्र है। यद भगवान का जो दूसरा अवतार कर ये पृथ्वी जब रसातल में चली गई थी तब भगवान ने बरहा अवतार लेकर के ये पृथ्वी को उन्होंने उद्धार किया है। इसलिए देखो ध्यान से सुना कहते शाम को हमें 4 काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए क्या क्या देखो ध्यान से सुना। पहला काम है शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शाम का समय में सोएगा ना उसको घर में कभी मां लक्ष्मी नहीं आएगी, वो दरिद्रता घर में बनी रहेगी। दूसरा काम है शाम को भोजन नहीं करनी चाहिए। ठीक संध्या समय में जो भोजन करेगा उसको पेट की बीमारी कभी सही नहीं होगी। तीसरा काम है बच्चों को शाम का समय में पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, उस समय भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं ना बच्चा तो घर में पढ़ाई ठीक करता है लेकिन पता नहीं जो पेपर देता है सब देने जाता है तो भूल जाता है। इसलिए शाम का समय पढ़ाई करने से भूल जाएंगे। चौथा जो काम है सहवास। सहवास का मतलब होता है पति पत्नी कभी मिलनी नहीं चाहिए हैं। इसलिए कभी हिरणा के हिरण कसुम क्यों जन्म लिया कहते एक समय दीति ने वो राजकुमारी ठीक शाम का समय में बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार की और सीसा को सामने श्रृंगार कर रही थी। वो बड़ी सुंदर थी राजकुमारी अपना श्रृंगार को देखकर भी इतने मुग्ध हो गई अपना पति कश्यप से वो जोर जबरदस्ती मिलने के लिए चाह। कश्यप ने कहा देखो दीदी ये समय अच्छी नहीं है, ये शाम का समय है। शंकर जी भूत प्रेत को लेकर के इसी समय में भ्रमण करते हैं, इसी समय मिलना नहीं। लेकिन वो काम में इतने आतुर हो गई थी
वो जोर जबरदस्ती कश्यप से मिला, लदिति तुमने अच्छी काम नहीं की, तेरे गर्भ में दो राक्षस जन्म ग्रहण कर, कौन हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। लेकिन वो दुखी हो गए, बोले मेरे अपराध को माफ कर दो, मैं कामातुर हो गई थी इसलिए मेरे अपराध को माफ कर दो। इसलिए उसने माफी मांगी, बोले ठीक है बेटा का तुम्हारे राक्षस बनेंगे, लेकिन ये बेटा का बेटा है ना ये प्रहलाद होगा, भगवान की परम भक्त होंगे ठाकुर जी, इनकी वजह से ठाकुर जी नरसिंह अवतार ठाकुर जी ग्रहण करेंगे। इसलिए भगवान का ये दूसरा अवतार है, बराह रूप में ठाकुर जी पृथ्वी को उन्होंने उद्धार की और मनु महाराज ने ये सृष्टि का प्रारंभ की। भगवान की जो तीसरा अवतार श्री नारद बाबा है, नारद जी ये जगत गुरु श्री नारद है, इनकी कृपा के बगैर तो किसको भक्ति नहीं मिले, इसलिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखे हैं जिनका नाम नारद भक्ति सूत्र है, अद्भुत भक्ति की महिमा गाए। विशेष करके इनके चार चेले हुए, दो बालक और दो वृद्ध। बालक कौन हुए? एक प्रहलाद और एक ध्रुव। इतनी कृपा इनकी रही बाबा की, कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आप तनाई। लेकिन ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनेंगे जिनने 5 साल उम्र में भगवत प्राप्ति किया। दोनों विषय इनके दो वृद्ध चले हुए, कहते एक वाल्मीकि और एक व्यास देव। इनके दो जो चले हुए दो वृद्ध हैं, क्या दो ग्रंथ हमारी सनातन धर्म की, एक ग्रंथ तो ये श्रीमद् भागवत है और दूसरा ग्रंथ है ये श्रीमद् रामायण है। ये दो चेले ने दो ग्रंथ को लिखे हैं। ये जो वाल्मीकि ये पूर्व जन्म में नहीं पहले को दस्यु रत्ना करते, वो डाकू डालते थे। एक दिन नारद जी से मिले, बोले बाबा निकालो तेरे पास में क्या माल, वो देखो हम तो संत हैं हमारे पास में तो लोटे सोटे लंगोटे और कुछ है, बोले जो कुछ हो निकालो। नारद जी ने पूछा ये बताओ तुम जो ये पाप कर्म करके पैसा कमाते हो ये पाप वो कौन लेगा, बोले मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे पिता माता, बोले देख ये सबके सब सुख में तेरे साथ दे रहे हैं, दुख में कोई भी मदद करने वाले नहीं, जब कुछ करना। घर में गया अपना पत्नी से पूछा, बोले ये पाप कर्म करके जो पैसा कमाता हूँ तुमको उसमें अंशीदार बनोगी नहीं, बोले क्यों, घर का काम मेरी बाहर का काम तेरा, मेरी कुछ बताने। पत्नी से उन्होंने पूछा, पिता माता से, बोले तेरे माँ हमने जन्म दिया लिखाया पढ़ाया बड़ा किया, हमें पता हमने कैसे पैसा कमाया, हमें पता नहीं तुम कैसे पैसा कमा रहे हो। तब उन्होंने बच्चों से पूछे, बोले आप तक आपका कर्तव्य है अभी हमको लिखा पढ़ा सिखा करके बड़ा करना, जब हम पैसा कमाएंगे फिर हम सोचेंगे हम कैसे पैसा कमा रहे हैं। बोले बाबा तो सही कह रहे, ये सबके सब सुख में साथ दे रहे हैं, ये दुख में कोई भी बाबा लेने के लिए तैयारी नहीं। वापस आए, बोले बाबा आप सही बता रहे थे पर आंख आपने खोल दिए है, इसलिए आप बताओ हमने तो बहुत बड़ी पाप किए, ये पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब उन्होंने बोले बोलो राम, बोलो बोलो राम, कोई बोल नहीं रहे, बोलो बोलो राम, लेकिन उसका मुंह से राम का नाम नहीं निकला। बोले क्यों नहीं निकले, बोले जो पापी लोग हैं ना वो भगवान का नाम नहीं कर सकते हैं, पुण्यात्मा व्यक्ति प्रभु का नाम ले सकते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बोले हे अर्जुन मेरे नाम को कौन ले सकता है, बोले जनेई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्जनम, जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने ठाकुर को पूजा सेवा करके आया ना इसी जीवन में तभी उसका नाम प्रभु का नाम ले सकता है, नहीं तो बैठ करके दुनियादारी बात करेगा लेकिन प्रभु का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि पापी है, वो पापियों का मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता है। देखो हमने एक समय साक्षात हमने देखा है, एक बूढ़ी माता जी थी वो बिस्तरा में लेट हुई, उसका प्राय मरने का समय आ गई थी, वो दयार मैयार कर रही थी, बेटी को देख लेना बेटे को देख लेना उसको देख लेना, लेकिन उसको बच्चे बोल रहे थे माता जी चिंता मत करो हम सब देख लेंगे, लेकिन थोड़ा राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण तो बोलो, इतना तो बोल दो। उसने कहा मेरे से इतना बोला नहीं जाता, कितना बोल, मेरे से इतना बोला नहीं जाता, बार अक्षर बोल दिया लेकिन दो अक्षर राम और राधा नहीं निकला। लेकिन उसका जो नाती पोती बड़े चतुर थे, बोले दादी तू क्या नहीं बोल सकती हो, वो सोच रहे थे कम से कम बोलेगी राधे राधे राम राम नहीं बोल सकता, वो कहती है तुम जो बुलाना चाहता है ना वही नहीं बोल सकता।
इसका मतलब भगवान का जो नाम है ना, वो पापी व्यक्ति मुंह से ब्रह्म का नाम नहीं निकलेगा, वो करेगा नहीं, वो बैठ करके दुनिया की चुगली करेगी, लेकिन ठाकुर का नाम नहीं लेगा। इसलिए बोले भैया राम बोलो, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। लेकिन उसका मुंह में निकला नहीं, बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मर तो बोल सकते हो, बोले हाँ ये तो बोल सकता हूँ। कहते उल्टा नाम चकत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मन माही। अगर हम मरा मरा करते करते अगर राम नाम हो गया, आप लोग टीवी में रामायण देखे होंगे, वाल्मीकि पूर्व भगवान आने से पहले वाल्मीकि ने पूरा रामायण लिख दिया, और ये लव कुश जा करके राम दरबार में राम की कथा सुना रहे थे। भले हमारी गुरु जी वाल्मीकि ने अब आने से पहले उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से सब देख करके सब लिख चुके हैं। हमारे गुरु जी हमको अपनी कथा सुना रहे, तब राम दरबार में लव कुश राम को राम की कथा सुना रहे थे। ये नारद जी का धूप चले हुए हैं, इसलिए इनका नाम नारद। नारद मतलब क्या है? नर मतलब रस, द मतलब सबको जो रस देते हैं, नर मतलब ज्ञान, सबको जो ज्ञान देते हैं, नर मतलब आसक्ति, द मतलब खंडयति। अगर इनका कोई संग किया ना, बास माया को जो बंधन में से जो मुक्ति करा देते हैं। ऐसे भगवान की जो चौथा अवतार हुए नर नारायण रूप में आए, और इन्होंने बद्रीनाथ में तपस्या, नर नारायण रूप में तपस्या कर रहे हैं। आप लोग कोई गए हो बद्रीनाथ? कौन कौन गए हाथ उठा? हे भगवान, एक दो व्यक्ति गए। कौन जाना चाहते हाथ उठा? हाथ उठा कौन जाना चाहते? आपको एक बार हम ले जाएंगे, जाओगे? देखो भगवान तपस्या क्यों कर रहे हैं, भगवान को पता है कलिजुग का जीव भजन नहीं कर सकता है, भगवान का वरदान है। अगर कष्ट करके कोई एक बार बद्रीनाथ में आए, और जो मैं तपस्या कर रहा हूँ, जो एक बार केवल मेरे को दर्शन करे, मैं जो साधन भजन कर रहा हूँ, दर्शन मात्र से ही हमारी तपस्या का जो छठवां भाग का फल अपने आप उसे मिल जाएगा, ये भगवान की वरदान है। इसलिए पहले इतने आसान नहीं था बद्रीनाथ जाना। पहले जब लोग जाते थे अंतिम समय में, बोल देते थे हमारी श्राद्ध क्रिया कर लेना, क्यों हम वापस आ पाएंगे कोई बात नहीं, क्यों इतने घना घोर रास्ता पेड़ पकड़ पकड़ करके बड़े कष्ट से जाते थे। अभी तो 10 दिन में हम केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री सब 10 दिन में चक्कर ला कर आ जाऊँ। अभी बढ़िया रोड हो गया, बढ़िया सब कुछ व्यवस्था हो गया, लोग विदेश जाते हैं घूमने के लिए, मैं भी विदेश गया हूँ, लेकिन हमारे भारत में जितने सुंदर सीन सिनारी है ना, कभी आप बद्रीनाथ जाओ, क्या झरना बह रही है, जैसे आकाश को स्पर्श करते हुए, मेघ को स्पर्श करते हुए, क्या सुंदर वहां पर सीन सिनारी, अद्भुत रूप। अभी तो वो स्थान एक है घूमने का स्थान हो गया, सबके सब घूमने के लिए जाते हैं। देखो बड़े भाग्य से भारत में जन्म लेते हैं। हमारे देश का नाम भारत, भारत मतलब क्या? भा मतलब वो कहता है प्रकाश, रत मतलब जो हर समय प्रकाश में रत रहते हैं, मतलब प्रभु की प्रेम भक्ति में जो डूबे हुए रहते हैं। इसलिए विदेश जाने के लिए लोग चाहते हैं, लेकिन विदेश जाने का जरूरत नहीं, घूमना तो हमारे भारत में घूमो, हैं जगन्नाथपुरी जाओ, चारधाम जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री घूमो, कितना सुंदर सुंदर हमारा भारत में ठाकुर जी तीर्थ स्थान बना करके रखे। इसलिए इसलिए आप लोग जरूर ये चारधाम एक बार जीवन में करना चाहिए, ठीक है ना? कौन कौन जाएगा बोलो? सबको ले चलेंगे, ठीक है। एक समय हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, और जितने गुजर है ना, बहुत सारी गुजर गुजरियों के साथ हमारे परिचित है, एक समय आप सबको ले चलेंगे। अगर एक बार होगा तो बद्रीनाथ में, हैं बद्रीनाथ में एक बार भागवत कथा करेंगे, और वहीं पर 7 दिन तक रह करके सब दर्शन करेंगे, और वहीं का आनंद लेंगे। बोले श्री बद्री विशाल की जय, बोले श्री बद्री नारायण की जय, जय श्री राधे। जब श्री सुत गोस्वामी भगवान की 24 अवतारों का नाम ले रहे थे, उन्होंने नाम लेते लेते उन्होंने कृष्ण का भी नाम ले लिया, बोले कृष्ण भी एक अवतार है। सुत गोस्वामी डर गए, बोले क्यों? बोले ये कृष्ण अवतार नहीं, ये कृष्ण अवतार है। अवतारी का मतलब होता है ये जिनसे सारे अवतार आते हैं। ये कृष्ण देखने में ना लड्डू गोपाल ये बैठा हुआ है यहाँ पर, ओ ऐसे नहीं, ये देखने में छोटे बड़े खोटे आदमी है ये,
हैं, ये बड़े खोटे आदमी, ये ब्रह्मा स्वयं कहते हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम आगे सुनेंगे, जब कृष्ण की बछड़े सखाओं को चोरी की, जब पता चला ये कोई साधारण नहीं, भगवान स्वयं बछड़े सखा बनकर लीला कर रहे थे, जब ब्रह्मा जी को पता चला ये मेरे बाप का बाप है, तब ये ब्रह्मा स्वयं ये कह रहे हैं, बोले जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सु बसे बसे था धामम। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, जिनकी एक एक लोक में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है, ये भगवान कृष्ण है, ये साधारण नहीं। जब हम भगवान कृष्ण को पूजा कर लेते हैं ना, हमें इधर उधर और भटकने का जरूरत नहीं, क्योंकि जगत में 33 करोड़ देवता है। आज एक को मनाओ, कल दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएंगे, आज तीसरे को मनाओ, चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएंगे। बताओ कितने को मनाओगे? 33 करोड़ देवता है। तीन में अगर एक करोड़ देवता को पूजा करो ना, 30 दिन में कितने होंगे? 30 करोड़ हो गया, फिर 3 करोड़ बाकी रह गया ना। लेकिन ये कृष्ण ऐसे के देवता हैं, जिनको केवल कृष्ण को पूजा करने से, आप लोग महाभारत देखे हो, देखेंगे नहीं महाभारत, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, उसी समय भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाया। देखो अच्छे तरह से इस चीज को समझो, इतनी चीज दिमाग में बैठा कर ले जाओ। जब उन्होंने विराट रूप दिखाया, बोले अर्जुन देख मैं कौन हूं, जिसको तुम शंकर जी कहते हो देखो वो शंकर मेरे में है, जिसको तुम इंद्र कहते हो इंद्र मेरे में है, जिसको माँ दुर्गा कहते हो देखो माँ दुर्गा मेरे में, जिसको तुम हनुमान कहते हो देखो हनुमान मेरे से, जिसको तुम गणेश कहते हो देखो गणेश मेरे में ही है। इसलिए अंतिम समय में कृष्ण कहते हैं, मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके विश्व ब्रह्मांड में कुछ नहीं। देखो भगवान एक उदाहरण दिया, मेरे तरफ में देखो, जैसे एक माला है लेकिन इसके अंदर में आपको धागा दिख रहा है, धागा दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर से क्या दिख रहे हैं? माला। लेकिन ये जो माला बनी एक एक फूल वो करके, चूंकि इसके अंदर में एक धागा है, अगर ये धागा को तोड़ दो फिर माला रहेगी? नहीं रहेगी, फिर माला खत्म हो जाएगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, ये सब के सब देख मेरे अंदर में विद्यमान, इसलिए मेरे से कोई परतत्व जगत में कुछ नहीं। इसलिए कृष्ण लास्ट में जाकर कहते हैं, हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम सारे धर्म को छोड़ करके केवल मेरे शरण में आ जाओ। बोले पाप नहीं लगेगा फिर, अगर कोई देवादेवी बिगड़ गया तो? कृष्ण कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापे स्वामी, मैं तेरे को सारे पाप से उद्धार कर दूंगा, माम सोचो, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, क्यों? ये विश्व ब्रह्मांड मेरे से प्रकट हुए हैं। तब भगवान दो उदाहरण देकर समझाए, आप भी ये दो उदाहरण को समझो। जैसे एक पेड़ है, अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं दे, दिन भर उसका फल को धोए, फूल को धोए, पत्ते को धोए, बताओ ये पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? जिंदा रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति ये फल फूल में पानी नहीं देता है, केवल जड़ में पानी दे रहा है, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? जिंदा रहेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मई सर्वमिदम प्रक्तम सूत्र मणि बिना, ये जो जड़ स्वरूप मैं हूँ, क्योंकि ये विश्व ब्रह्मांड मेरे में विद्यमान। जब भगवान कृष्ण को हम पूजा कर देते हैं, ये अनंत करोड़ 36 करोड़ देवता की पूजा अपने आप हो गई। दूसरा उदाहरण दिए, जैसे भोजन रोटी हम कहाँ देते हैं? मुंह में। जब मुंह में रोटी दो ना, आपको सारी इंद्रियां काम करेगी। अगर आप मुंह में रोटी मत दो, कान में थोड़ा डाल दे दो, कान में थोड़ी रोटी दे दो, हाथ फार करके थोड़ा सब्जी दे दो, जिंदा रहोगे कि नहीं? पूरा शरीर को सब दो लेकिन केवल मुंह में नहीं दो, जिंदा रहोगे? नहीं जिंदा रहोगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन ये मुंह स्वरूप मैं हूँ, जब मेरे को कोई प्रसन्न कर देता है, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड अपने आप खुश हो जाते हैं। इसलिए जैसे हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोलो कौन प्राइम मिनिस्टर? मोदी। ये मोदी नहीं, किसको अग्नि मंत्री बना दिया, किसको रेल मंत्री बना दिया, किसको अर्थ मंत्री बना दिया, लेकिन ये बनाया किसने? मोदी ने ही बनाया। उसी तरह भगवान कृष्ण कहते हैं, मत भयात वापि वा द्वयम्, ये जो वायु बह रही है मेरे भय से,
स्तपति इंद्र, इंद्र जो बारिश करता है मेरे घर से, उदयति सूर्य जो सूर्य उदय हो रहा है मेरे आदेश पर है, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे आदेश पर ही। हाँ, इसलिए कहते ना ठाकुर को इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। इसलिए जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं सभी का भक्ति हो जाता है, अलग रूप में हमें दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस सभी को सम्मान करो, किसी को असम्मान नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो हृदय में ना मेरे तो गिरिधर गोपाला, उसके बाद में बोलो दूसरा ना कोई, जैसे गोपियां हैं, जब गोपियों ने जब उद्धव जी ब्रज में आए और उद्धव जी उनको ज्ञान की जो की बात बताए, उद्धव जी क्या बोले, गोपियां क्या कहती हैं, बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध इस। मन दस बीस नहीं है, मन तो एक ही है, ये एक मन को एक को दे सकते हैं, दो को दे नहीं सकते हो, वो एक को ही दे सकते हैं। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति को ये मन दो जिसको देने से ये विश्व ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए बोले जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई है, सब कोई। इसलिए यहाँ पर उन्होंने भगवान कृष्ण को जब उन्होंने अवतार बताए, फिर बोले भैया ने तो गड़बड़ी कर दिया, फिर उन्होंने भगवान के लिए दूसरा श्लोक बताते हैं, बोले एतचान सकला पुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्ररी व्याकुल लोकम मृहयंती जुगे जुगे। ये जो भगवान कृष्ण है यही कृष्ण ही गीता में भी यही कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन जब जब इसी जगत में अधर्म फैल जाए, ब्राह्मण संतो स्त्री और पृथ्वी को पर अत्याचार होती है, तब तक मैं जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को मैं पालन करता हूँ। कौन कहते हैं, ये भगवान कृष्ण ही कहते हैं, मैं ही युग युग में जगत में अवतीर्ण होता हूँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्री नंद के लाला की जय, बोले श्री जसोदा दुलारा की जय, जय जय श्री कृष्ण। अभी रह रहे हैं कहाँ पर ठाकुर जी, हस्तिनापुर में रह रहे हैं, बहुत दिन हो गया। कृष्ण जब जब जाने के लिए तैयारी होते हैं, लेकिन पांडव कुछ ना कुछ बहाना बना देते, कृष्ण को जाने नहीं देते। एक दिन मैया कुंती आकर के भगवान को स्तुति करने लग गई, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रह। बोले ठाकुर जी भगवान के सारे अंग को वो कमल फूल के साथ में उदाहरण दिया है। बोले क्यों, बोले कमल देखने में बड़े सुंदर, ठाकुर देखने में बड़े प्यारे हैं। जब भगवान को स्तुति कर रहे थे, इतने में कृष्ण ने कहा बुआ जी आज तो तू उल्टा गंगा बह रहा है। बोले यही तो तेरी माया है, तू किसको बुआ बना दिया, किसको भैया, किसको मैया, और ये माया के चक्कर में तुम डाल कर रखे हो। ठाकुर जी कन्हैया तेरे माया समझना बड़ा कठिन, मैं भी एक दिन तुम ब्रज में मक्खन चोरी की और मैया ने तेरे पकड़ ली और एक हाथ में तेरे को और दूसरे हाथ में डंडे। बोले क्यों मक्खन चोरी की, क्यों मटकी फोड़ी, बता सच सच, ये मटकी फोड़ी किसने, बोले मैंने थोड़ी फोड़ी। बोले किसने फोड़ी, बोले तेरी ने फोड़ी। बोले मैंने कब फोड़ी, बोले तू पैर में इतने बड़े बड़े कौरूले पहन रखी थी, जब तेज से भाग रही थी ना उस समय लग करके मटकी फूट गई। लेकिन उसी समय में कृष्णा रो रहे थे, शिशक शिशक करके रो रहे थे। बोले कृष्णा मैं भी तेरे माया देकर कभी कोई मोहित हो गया, तो सचमुच से रो रहे हैं ना, तो नाटक कर रहे हो, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड तेरी इशारा पर ही चलता है। जब बड़ी स्तुति कर रही थी, कृष्णा ने कहा बुआ जी आज तू मेरे से जो कुछ मांगोगे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बोलो तुमको क्या चाहिए। तब कुंती कहती है बोले विपद संत में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। बोले ठाकुर जी अगर मेरे को देना चाहते हो मेरी झोली में विपत्ति भर दो। बोले बुआ जी सारा दुनिया मेरे से संपत्ति मांगते हैं, तो विपत्ति क्यों मांगते हो, देखो क्या कहती हैं, हैं क्या कहती हैं। बोले दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में जो सुमिरन करे दुख खाई को आए।
कहते सुख के माथ सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि और दुख को जो पल पल नाम जकार। इसलिए मेरे को दुख चाहिए क्योंकि सुख में तेरे को भूल जाते हैं, दुख में तेरे को याद करते हैं। आप लोग को तो बताओ, आप लोग को सही सही बताओ, अब दुख में ज्यादा ठाकुर को याद करते हो ना सुख में? बोलो आप लोग, बोलो दुख में ज्यादा करते हो ना सुख में ज्यादा करते हो? अरे बोलो। इसलिए ये मैया कुंती खुद कहती है, बोले प्रभु चार तरह का व्यक्ति तेरे को भजन नहीं करी। देखो कुंती क्या कहती है, बोले जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी चार व्यक्तियों के अंदर में बड़ा अभिमान है। पहला नंबर किया जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाएगा, बोले अरे भजन भजन की क्या जरूरत, हमारे संसार में किस चीज की कमी है, हैं किस चीज की कमी, हम भजन भजन की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहते जिसको पास में ज्यादा पैसा है ना वो भजन नहीं करेगा, लेकिन अगर पैसा रहते हुए अगर कोई भजन कर रहा है समझना ठाकुर का बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है जो भगवान की भक्ति करता है। जन्म अगर किसको उच्च कुल में जन्म हो जाए वो भी माना जाता है। श्रुत, श्रुत मतलब होता है ज्ञान, ज्यादा थोड़ी कोई लिखाई पढ़ाई करते है ना, है भक्ति भक्ति में कुछ नहीं, हम PhD किया, हमने डॉक्टर इंजीनियर किया, वो भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। श्री, जिसका चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए। बुद्धि कहती है प्रभु ये चार तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे, नमो अकिंचन बिताय, जो तीन हीन व्यक्ति ना तेरे भजन करेंगे। इसलिए राम का जितने भक्त देखो, जिसने बंदर भालू ये सब भगवान राम की भक्त, जितने ये सब भगवान राम कृष्ण की भक्त भी है। इसलिए इसलिए प्रभु मेरे झोली में विपत्ति भर दो, विपत्ति में तेरा स्मरण होता है, संपत्ति में तेरा भजन नहीं होता है। लेकिन अगर संपत्ति अवस्था में भी जब विपत्ति आए प्रभु को पुकार दुख दूर हो जाता है, अगर सुख में अगर भजन करते रहोगे फिर दुख क्यों आएगा, वो आएगा नहीं। इसलिए क्या करो, हर समय भगवान की याद करते रहो, ठाकुर जी की भजन करते रहो, दुनिया को भले ही भूली जाओ लेकिन ठाकुर को कभी नहीं भूलनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा, जोर के बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आवाज सही नहीं आ रही, आज एकादशी है ना, एक बार बोलने से 100 बार फल मिलेगा। और एक बार जोर से, और एक बार जोर से, पीछे लोग अभी भी बोल रहे हैं। सरसज्ञा में लेटे हुए उनकी भी अंतिम इच्छा ठाकुर का दर्शन करते हुए प्राण त्याग दो, ठाकुर वहां पर भी गए और पितामह भीष्म भगवान को दर्शन करते करते अंतिम श्वास को त्याग दी। देवता लोग देव करके आश्चर्य में पड़ गए, हैं कि क्यों आश्चर्य में पड़ गए, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नहीं। देखो ठाकुर जी सामने खड़े हुए, ठाकुर को दर्शन करते करते नाम लेते लेते अंतिम श्वास त्याग दी। स्वर्ग से जितने देवता लोग उनको पर में पुष्पों की बौछार की, बोले श्री पिता महाभीष्म की। एक दिन कृष्ण बोले अभी मेरे को द्वारका जाना पड़ेगा, अर्जुन उनको द्वारका में लेकर गए। अभी 7 महीना हो गया अभी तक अर्जुन नहीं आ रहा है। इतने में देखा अर्जुन जब आए पूरा चेहरा लटकता हुआ, कोई स्त्री ही, बोले अर्जुन क्या हो गया, क्या किसने तेरे को परास्त कर दिया, ना अभव रास्ता में तुमने गमन की, ना बिना खिलाए पिलाए तुमने खा ली, बोले तेरे अंदर में ये तो अपगुण आ ही नहीं सकता, हो ना हो कृष्ण तो नहीं चले गए। अर्जुन तो फूट फूट करके रोने लगे, बोले प्रभु सचमुच से उनका नाम हरि है, वो जगत छोड़ करके चले गए। तो भगवान की एक एक बात को याद कर रहे हैं, बोले भैया याद है, बोले किस बात की, बोले जब आप जुआ खेल रहे थे ना, पहले तो राज्य को खो गए, उसको बाद में भाइयों को भी दांव में लगा दिया। शकुन ने कहा देखो आपको पास में सबसे बड़े संपत्ति द्रौपदी की, उन्होंने द्रौपदी को भी जुआ में लगा दिया, द्रौपदी को भी उन्होंने हार गए। दुर्योधन ने कहा दुशासन द्रौपदी अभी राज रानी नहीं, हमारी दासी, पकड़ कर ले जाओ उसको भरी सभा।
और उसको विवश करके मेरे जंघे के ऊपर बैठा दो, जंघे के ऊपर बैठा दो। उसी समय दुशासन 10,000 ताकत हाथी की ताकत थी, उसने कोशिश की उनको विभस्त्र करने के लिए, लेकिन 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रही थी साड़ी बीच कोई नारी ना, नारी स्वयं साड़ी बन गई। कभी याद है ठाकुर जी कैसे हमें रक्षा किया? देखो इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा है, आप अच्छे तरह से सुनो। कैसे ठाकुर जी की एक मन से पुकारनी चाहिए। एक समय कृष्ण द्रौपदी को बोले, द्रौपदी कृष्ण को बोल रही है, बोले प्रभु जब दुशासन मेरे को विवस्त्र करना चाहता था, मैंने आपको बड़े देर से पुकार रही थी, अब आने में इतने देर क्यों लगाई? बोले द्रौपदी तुम सही सही बताओ, तुम मेरे को दिल से पुकार रही थी? बोले प्रभु कैसे, अब क्या कह रहे हो? क्या मैं ऊपर से पुकार रही थी आपको? बोले द्रौपदी झूठ मत कहा करो, सच बताओ। जब दुशासन तेरे पास में पहुंचा तेरे को लेने के लिए, उस समय भी क्या सोच रही थी? बोले मेरे 5-5 पति है, इस स्त्री का अगर एक पति बलवान हो ना, पैसा वाला हो, तुम सीना छाती हाँ फुला करके चलती है, हर मेरे मेरे पति कौन क्या कर लेगा? लेकिन द्रौपदी के 5-5 पति, सर्वश्रेष्ठ गांधीधारी अर्जुन पृथ्वी में कोई बराबर नहीं कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, नकुल सहदेव तलवार युद्ध में, भाला युद्ध में युधिष्ठिर, बराबर कोई नहीं थे। तुम क्या सोच रही थी कि मेरे 5-5 पति मेरे को रक्षा करने वाले, तू सोच रही थी ना? इसलिए द्रौपदी ये बच्ची को किसकी बच्ची है, उसको गोद में बैठा, इसलिए कद मेरी 5-5 पति ये हीरा मेरा क्या कर लेगा, ये मेरे क्या कर लेगा, ये सोच रही थी ना? इसलिए द्रौपदी में बीच रास्ता तक तेरे को बचाने के लिए आया, लेकिन जब देखा तुम्हारी मन में ये भावना 5-5 पति तुमको रक्षा करेंगे, फिर मैं बीच में क्यों आता, मैंने वापस भेजा। बोले द्रौपदी और थोड़ा पास में आया था बचाने के लिए, तभी मैंने वापस भेजा। बोले क्यों, जब तुमने देखा 5-5 पति तुमको रक्षा नहीं किए, फिर ये सोच रही थी यहाँ पर द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्म है, यहाँ पर कृपाचार्य धृतराष्ट्र, अगर एक बोली निकल जाए ना, कोई मेरे वस्त्र हरण नहीं कर सकते, तो उनको तरफ में देख रही थी ना, जरूर कुछ ना कुछ बोलेगी। इसलिए द्रौपदी मैंने देखा जब तुमको इतने लोग रक्षा करने वाले, मैं क्यों आऊँ, मैंने फिर वापस गया। बोले द्रौपदी एकदम पास में मैं आ गया था बचाने के लिए, लेकिन तभी मैंने वापस गया। बोले क्यों, बोले जब तुमने देखा कोई मेरे को बचा नहीं रहे हैं, तू अपने कपड़े को स्वयं पकड़ कर रखती, दांत को नीचे दबा करके, मैं साधारण घर के थोड़ी बहू, मैं पंचक पांडवों की मैं बहू हूँ, अग्नि से मैंने प्रकट हुई, अपने आप को मैं रक्षा कर सकती हूँ। बोले द्रौपदी फिर मैं क्यों आता, इसलिए मैंने वापस लिया, लेकिन जब तुमने देखा 5-5 पति तुमको रक्षा नहीं कर रहे हैं, और ये कोई द्रोणाचार्य आदि कुछ बोल नहीं रहे, खुद को भी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, इतने में दो हाथ उठा करके, हे गोविंद राख शरण अब जीवन हरी, हे कन्हैया तेरे सिवाय और कोई मेरे को बचाने वाले नहीं, मैं उसी समय स्वयं में वस्त्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। देखो ठाकुर का जब तक ऐसे नहीं बुला उतना नहीं आएंगे, लेकिन हम क्या सोचते हैं ना, हमको पैसा रक्षा करेगा, पति रक्षा करेगा, हमको देवता कुछ रक्षा करेगा, हमको देवता कृष्ण टेढ़े ठाक वाले, वो पहले से ही टेढ़े तीन जगह से, सीधा बनोगे ना तब कृष्ण सीधा बनेंगे, अगर बोलोगे ये देवता रक्षा करेगा, कृष्ण को बुलाओगे, कृष्ण आने वाले नहीं। एक मन से उनको पुकारना पड़ेगा, एक मन से कभी भगवान आएंगे। और एक चीज समझो, कभी कभी हम सोचते हैं ना, अरे हमारे बहुत कुछ व्यक्ति रक्षा करने वाले, ये द्रौपदी अपना पुत्रवधु मतलब अभिमन्यु का पत्नी उत्तरा को ये बात कह रहे हैं, उत्तरा आप लोग भी ध्यान देकर सुनो, ये द्रौपदी कह रही उत्तरा को, अभिमन्यु की पत्नी वाली उत्तरा, ये मेरा एक अनुभूति की बात सुन ले। बोले क्या है, बोले पहले मैं बड़ी ढीग हांका करती थी, मेरे को ये रक्षा करेगा, मेरे को ये रक्षा करेगा, हम ये रक्षा करेगा, लेकिन विपत्ति समय में देखा कोई भी रक्षा करने वाले नहीं। एक बार कन्हैया के सिवाय कृष्ण सिवाय विपत्ति में कोई भी तुम्हारी काम आने वाले नहीं, मैंने अपना जीवन में आजमाया, मैंने कोई लास्ट में मेरे को रक्षा नहीं किया, अंतिम समय में रक्षा किया तो केवल एक ठाकुर ने रक्षा किया। इसलिए आप लोगों भी ये भावना रखो, अगर रक्षा करने वाले कौन है, एक बुरेली वाले हैं, एक कन्हैया रक्षा करने वाले, और कोई हमें रक्षा करेगा नहीं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री।
जय श्री राधे। अभी एक दिन श्री परीक्षित महाराज जब जंगल में गए थे, हठात उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। क्या देखा? देखा एक गैया बड़ी दुखी होकर रो रही है, देखा एक बैल का तीन प्यार नहीं, वो एक प्यार में खड़ा हुआ, और एक शूद्र लंबे चौड़े व्यक्ति एक प्यार को मार मार करके उसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। वो जो बैल था ना, वो विष्टा मूत्र विसर्जन कर रहा था। परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, बोले मेरे देश में इतना अन्याय। उन्हें तलवार को निकाल चपट पड़ी। कहते वो कौन था? वो कली था। बोले तू है कौन? उसने सीधा परीक्षित महाराज के चरण में गिर पड़े। बोले तू है कौन? बोले मैं स्वयं कली। बोले ये गैया कौन? बोले ये पृथ्वी। बोले क्यों रो रही हो? बोले भगवान कृष्ण चले गए, अभी कलयुग में सब दुष्ट राजा लोग आएंगे, प्रभु की भजन भक्ति नहीं करेंगे, बड़े पाप कर्म करेंगे, इसलिए हम रो रहे हैं। बोले ये बैल कौन है? तो बैल को पूछा, भैया तू कौन हो? तेरी ये दुर्दशा, तेरे तीन प्यार गया कहाँ, तू एक प्यार में खड़ा, तेरे दुख का क्या कारण है? तो उसने देखो माताएं ध्यान देकर सुनो, तब उसने किसको बुराई नहीं की। बोले मैं किसका बुराई करूँ? जीव जैसे कर्म करता है वो कर्म का अनुरूप जीव को फल भुगतना पड़ता है, मैं किसको दोष नहीं दे सकता, वो समझ लीजिए धर्म है। क्योंकि जो धर्म है ना वो किसको बुराई नहीं करता है, क्यों? अपना जीवन में जो आता है वो उसको भोग कर लेता है, और जीवन में जो कुछ आए ना वो अपना किया हुआ कर्म का फल है। अगर नीम की बीज बोएंगे तो बताओ वो कौन सा पेड़ आएगा वहां पर? बोलो, अगर चीकू का बीज बोगे तो कौन सा फल आएगा? चीकू। केले का बीज बोगे तो कौन सा पेड़ आएगा? केले। इसलिए उसने किसकी बुराई नहीं की, वो समझ गए ये धर्म है। क्यों? धर्म किसकी बुराई नहीं करता है। बोले बुराई क्यों नहीं करता? बोले आप जिसको बुराई करोगे ना उसका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। देखो अभी छोटी स्टोरी सुन लो, ध्यान देकर। बोले एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में पहुंचा, उनको भिक्षा मांगने के लिए। इतने में राजा ने कहा, काम करके खा नहीं सकते हो, भीख मांगने के लिए आ गए। उसने किया कि घोड़े का जो लीड था ना उसको झोली में दे दिया, लेकिन सचमुच से वो संत थे, वो लीड लेकर के चले गए। एक दिन राजा घूमते घूमते जब जंगल में पहुंचा, देखा जो घोड़े का लीड एक विशाल पर्वत रूप में। बोले इतना घोड़े का लीड देखा? वही संत वहां पर बैठ करके प्रभु का भजन कर रहे थे। बोले बाबा ये घोड़े का लीड कहाँ से आ गया? संत ने कहा, आपको याद होगा एक दिन आपके घर में मैंने भिक्षा लेने आया था, आप मेरे को क्या दिया था? घोड़े का लीड दिया था ना। संतों को अगर कोई चीज दोगे वो कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। एक दिन ये लीड बढ़ते बढ़ते इतना विशाल रूप धारण करेगा, तेरे राज्य में घोड़े का लीड के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा, केवल लीड लीड बन जाएगी। उसने तो संत को चरण में गिर पड़ा। बोले बाबा मेरे पाप हो गया, बताओ मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले एक काम कर सकते हैं। बोले क्या? बोले अभी तुम्हारे घर में एक लड़की है जो शादी के लाई, एक काम करना, तुम्हारे घर के सामने जो बगीचा एक कुटिया बना करके तुम अपना बेटी को साथ में अकेले रहना। अकेले रहोगे तो क्या होगा? पूरा तुम्हारे राज्य लोग निंदा करेंगे। जब तुम्हारी चुगली करेंगे, जो निंदा करता है, जिसकी निंदा करोगे उसका सारे पाप खत्म होकर के जो चुगली करता है उसको ऊपर में सारे पाप आ जाएगा, फिर मुक्ति हो सकते हो। उसने कैसे किया? पूरा राज्य घर घर में चुगली। बोले ये राजा कितने दुष्ट, देखो ये क्या कर रहा है, अपना बेटी को अकेले लेकर के रह रहा है बगीचा में, पूरा घर घर में चुगली हो गई। एक दिन फिर वो राजा आए, संत के दरबार में देखा वो सारे लीड खत्म, लेकिन अभी एक टोकरी बाकी है। बोले बाबा एक टोकरी कैसे रह गया? बोले देखो तेरे राज्य में एक माता रहती है, लेकिन वो कभी किसकी चुगली नहीं करती है, दिन भर ये माला लेकर के ठाकुर का नाम जप करती रहती, कभी किसकी चुगली नहीं करती, उसकी हिस्सा रह गई। अगर वो तुम्हारी चुगली कर देगा ना फिर तुम्हारी पाप खत्म हो जाएगी, नहीं तो जो टोकरी ये जो लीड बचा ना तेरे को खाना पड़ेगा, तेरे को खाना पड़ेगा तेरे को। अभी बोले किसी तरह से उनसे तुम्हारी चुगली करवाओ। इतने में राजा अपना भेष बदला कर गया, जा करके देखा सचमुच से माता जी बैठ करके माला जप कर रही थी। इतने में राजा बोले माता जी तेरे को पता है ये राजा क्या कर रहा है? अरे इतना बोलते ही माता जी को बोले यहाँ बैठ जाए, और इतना बोलते ही इतने में जो माता जी थी ना एकदम क्रोध में आ गई। बोले दुष्ट राजा,
मैं अपना भजन प्रताप से सब जानती हूँ। तू वही राजा है, जब वो संत तेरे घर में आया था तुमने लीट दिया था ना, वो जो एक टोकरी बच गई ना तेरे को खाना पड़ेगा। मैं कभी किसी की चुगली नहीं करती हूँ। राजा तो डर गया, भाग गया वहां से, तेरे को खाना पड़ेगा। देखो ये चीज समझो, कभी कभी हम जब चार पांच माताएं हो जाती है ना, बात शुरू हो जाती है हमारी। उसकी चुगली, उसकी बहू ने ऐसे की, उसकी छोरी भाग गई, उसको छोरा ये कर रहा है, कोई भगवत चर्चा नहीं, सारा दुनिया की बात करना शुरू कर देते हैं। जहाँ आप किसी चुगली करोगे ना, जिसकी चुगली करोगे उसका सारे पाप तुम्हारे अंदर में आ जाएगी, और तुम्हारी जो पुण्य है ना वो चली जाएगी उसको पास में। इसलिए कभी किसी ने चुगली मत करना। समय है, भगवान ये कीमती जीवन दिया है 84 लाख योनि के बाद में। ये मानव शरीर नहीं, भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। भगवान कहते हैं अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये 84 लाख जन्म के बाद में मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे हो। इसी जीवन में ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जो एक श्वास गई ना, करोड़ रुपया देने पर भी एक श्वास को कोई वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे अंबानी, अगर डॉक्टर बोल दिया इसकी अंतिम श्वास, परिवार बोले तेरे को 4 कोहिनूर हीरा देते हैं, इसको 4 श्वास वापस ले आओ, वापस ला सकते हैं? ये मानव शरीर भगवान कहते हैं, ये 84 लाख जन्म में किसको बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण बोले, कोई नहीं बोल सकता है एक मानव सिवाय। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति के दरवाजे पर तुम पहुंचे हो। अगर ये जीवन पा करके भगवान की भजन नहीं किया, प्रभु का नाम नहीं किया ना, उसको बाद में कटबल सर पीटते रह जाओगे, तेरे को मानव शरीर नहीं मिलेगा, पेड़ पौधा जानवर बोल के घूमते रहोगे। इसलिए हमें समय नष्ट नहीं करके भगवान की माला लो। भगवान कलिजुग में सबसे सरल उपाय बताए, भगवान का नाम जप करो, यही असली संपत्ति है, और इसी से ही हमारी कल्याण होने वाले, ठीक है ना? सबके सब भगवान की भजन करियो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे शास्त्र को रचना करते हुए भी उनको शांति नहीं मिली। एक दिन नारद जी आए, बोले गुरुदेव मैंने तो जीव कल्याण के लिए सब ग्रंथ को रचना की, लेकिन शांति क्यों नहीं मिल रहा है? बोले देखो उसमें एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले जथा धर्म दया सार्था मुनिवर्या अनुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्णितः। बोले तुमने दूसरे दूसरे धर्मों के विषय पर जैसे बढ़ा चढ़ा करके बोले, ठाकुर जी की कथा को इतना जी भर करके बोला नहीं, कृष्ण की सुंदर सुंदर लीला नहीं वर्णना किया, संतों के चरित्र वर्णना नहीं किया, इसलिए शांति नहीं मिल रहा है। अगर शांति पाना चाहते हो क्या करो, ठाकुर जी की बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाओ, संतों के चरित्र सुनाओ। इतने में श्री नारद जी फिर अपना चरित्र सुनाए, बोले देखो आज मैं इतना बड़ा संत कैसे बन गया। फिर उसने नारद जी अपना आत्म चरित्र को उन्होंने बताया, हमारे बीच में ये प्रभु जी आपको इधर से, इसलिए उन्होंने नारद जी अपना आत्म कथा सुनाते हैं, आज मैं इतने बड़े संत बना तो मैं इतना बड़ा संत कैसे बनाया। अभी हमारे ये प्रभु जी नारद जी की कथा सुनाएंगे, नारद जी बड़े संत कैसे बने, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री नारद बाबा की जय। अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभयेव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नहीं बोले वो भी एक बार बोलिए, अगर किसी को कुछ नुकसान होगा तो हमें बता देना, हम भुगतान कर देंगे। ठाकुर का नाम लेने से कोई घाटा नहीं होगा। सभी जोर से बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री दुर्ग स्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरुवर के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए यहाँ उपस्थित समस्त भागवत श्रोत मंडली माता भाई प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रवण कर रहे हैं किस प्रकार जब व्यासदेव जी ने सारे शास्त्रों की रचना कर दी तब पर भी उनको शांति नहीं मिली, मन में शांति नहीं मिली। उस समय पर वहाँ पर नारद जी उपस्थित हुए और नारद जी इनके गुरु हैं, इसलिए नारद जी अपने स्वयं का चरित्र बतलाते हुए कह रहे हैं कि मैं पहले कौन था। यहाँ पर गुरुदेव अपना स्वयं का चरित्र बतलाते हुए कह रहे हैं कि अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यस्तु कश्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षिताम्। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था, मैं एक दासी पुत्र था, सूत पुत्र था। मेरी माँ साधु संतों की सेवा करती थी। एक समय हमारे गांव में चतुर्मास का समय आया, चतुर्मास के समय पर कोई साधु आए, देखते ही देखते वहाँ पर बढ़िया पकवान बनने चालू हो गए, खीर पूरी जलेबी सब सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं साधु की सेवा के लिए। मेरी माँ ने सोचा कि अगर मैं इन साधु की सेवा में लग जाऊँ तो मेरे लिए तो खाने का जुगाड़ हो ही जाएगा और मेरे बच्चे का भी खाने का सब व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए मेरी माँ वहाँ पर साधुओं की सेवा करने लग गई। अभी माँ को देखते देखते मैं उस समय पर क्या था, मैं छोटा बालक था, मैं 5 साल का बालक था। माँ को देखकर मैं भी वहाँ पर साधुओं की सेवा करने लग गया। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि माँ जैसा करती है। कल भी हम श्रवण कर रहे थे गुरुदेव के मुखारविंद से कि माता पिता ही प्रथम गुरु हैं। जैसा शुरू से ही आप अपने बच्चों को सिखाते हो वैसा ही वो सीखते हैं। माता पिता प्रथम गुरु हैं, इसलिए भागवतम में वर्णन आया है गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न साक्षात् जननी न साक्षात् दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च साक्षात् न मोचयेदो समुपेत मृत्युम्। कि वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है। कौन? जो भगवान जो मृत्यु से रक्षा नहीं कर पाए। मृत्यु से रक्षा नहीं कर पाए क्या अर्थ क्या हुआ? जो इस काल के बंधन से हमको बचा नहीं पाए। कोई काल के बंधन से कब बचेगा? जब भगवान का भजन करे। इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य है अपने अपनी संतान को भगवान के भजन में नियुक्त करना। कितने, क्योंकि अगर ध्रुव महाराज का चरित्र हम आगे श्रवण करेंगे, अगर संतान भजन करती है, अगर बच्चा भजन करता है, उससे माता पिता का भी कल्याण है। कनिष्ठ मध्यम उत्तम 3 तरह के भक्त भागवतम में नरसिंहदेव स्वयं कह रहे हैं कि अगर कोई कनिष्ठ भक्त हो उसकी 7 पीढ़ी उद्धार हो जाती है, अगर कोई मध्यम भक्त हो उसकी 14 पीढ़ी उद्धार हो जाती है, अगर कोई उत्तम भक्त हो 21 पीढ़ी उसकी तर जाएगी। किससे? एकमात्र भजन करने से। ध्रुव महाराज जब भजन करते करते उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति करी और अंतिम समय पर क्या हो रहा है, उनको गोलोक वृंदावन से रथ लेने के लिए आया। ध्रुव महाराज वहां पर देख रहे हैं कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ ने ही मुझे उपदेश दिया था कि तुम वन में जाकर भगवान का भजन करो, इसलिए मैरिज मैं क्या करूंगा, अपनी माँ को साथ में लेकर जाऊंगा। वहां पर ध्रुव महाराज जब देख रहे हैं मेरी माँ क्या है, वहां पर साक्षात विष्णुदूत कहते हैं, बोले ध्रुव तुम चिंता मत करो तुमसे पहले वो देखो एक रथ जा रहा है जिसके अंदर तुम्हारी माँ तुमसे पहले ही भगवत धाम जा रही है। क्यों? क्योंकि उनकी गर्भ से तुमने जन्म लिया। तुम जैसा भक्त जिस माँ की गर्भ से जन्म लिया है उस माँ की गर्भ सार्थक हो गई, उसकी माँ की प्रसव पीड़ा सहन करना सार्थक हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे भक्त उनकी कोख से जन्म हुआ है। इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य अपने अपने बच्चों को भगवान के भजन में नियुक्त करना। इसलिए यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि मेरी साधुओं में मति हुई कैसे, अपनी माँ को देखकर। मेरी माँ जब साधुओं की सेवा करती थी मैं भी उनके साथ साथ साधुओं की सेवा करने लगा।
संत जब कहते कि जाकर थोड़ा पुष्प ले आओ, मैं भागते भागते जाता और पुष्प ले आता, सुंदर माला बना देता ठाकुर जी के लिए। मुझे बोलते जब वो कि थोड़ा चंदन घिस दो, मैं चंदन घिस देता। इस प्रकार मैं उनकी बड़ी सेवा करता था। यद्यपि संत तो समदर्शी होते हैं, लेकिन मेरे अंदर उन्होंने विशेष दो गुण देखे। क्या बोले, जब जैसे छोटे बच्चे जिस प्रकार चंचल होते हैं, खेल कूद में ज़्यादा मन रहता है, मैं उस प्रकार चंचल नहीं था। मैं बड़ी धीर चित्त होकर जब साधु लोग प्रवचन करते, मैं वहाँ पर बैठकर हरि कथा सुनता। मैं वहाँ पर बैठकर हरि कथा सुनता था और मैं ज़्यादा बोलता नहीं था। साधु जैसा जैसा आदेश करते मैं वैसा पालन करता। एक दिन साधु लोग अपनी हरि कथा में बतला रहे थे कि अगर किसी को भगवत भक्ति प्राप्त करनी हो तो उसके लिए तीन उपाय हैं, उसके लिए तीन विशेष उपाय हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष दीना, साधने रोगल। हरे कृष्णा सब बोलिए, कृष्णा कृष्णा हरे राम, राम राम। क्या बता रहे हैं, भक्त पद धूली आर, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, तीन साधने बल। अगर किसी को शीघ्र शीघ्र भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी, इधर आ जा, अगर किसी को भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है, अगर किसी को भगवत भक्ति भक्ति प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए तीन उपाय बताए। क्या, साधुओं की चरण धूली, उनका चरण का जल, और उनका उच्चिष्ट अर्थात उनका भुक्त प्रसाद, उनके मुखारविंद से हरि कथा, या वो जब प्रसाद पाकर जो उच्चिष्ट रख दे तो उस उच्चिष्ट को ग्रहण करने से भी बड़ी तीव्र गति से कोई भजन में अग्रसर हो सकता है। इसलिए नारद जी यहाँ पर कहते हैं कि उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजे सकृत्स्म भुंजे द्व्यवत किल विषाम एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतास तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते, तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। जब मैंने साधुओं के मुख से ये कथा सुनी, एक बार वो जब प्रसाद पा रहे थे, मैंने उनका उच्चिष्ट ग्रहण किया, और उनका उच्चिष्ट ग्रहण करने मात्र से ही क्या हुआ, तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते, मेरी उनके चरणों में इतनी रतिमती हो गई, वो जो कुछ भी कहते मैं एक बार में उनका पालन करने लग जाता। स्वाभाविक रूप से मेरी सत्संग में रुचि हो गई। अभी भगवत भजन करते करते जब चतुर्मास शेष हुआ, ये साधु लोग चले जाएंगे, हाँ रमता जोगी बहता पानी, साधु तो एक जगह पर ज़्यादा समय तक रहते नहीं, तो चतुर्मास शेष होने पर वो अभी जब चले जाएंगे, मैंने कहा आप भी मुझे साथ ले चलो। लेकिन ये बात सुन के मेरी माँ बड़ी रुष्ट होती, बोले बाबा के साथ घूमता है क्या, बाबा होएगा क्या। मेरी माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी। तब बाबा लोग ने क्या किया, संत लोग मुझे वहीं पर एक भगवत मंत्र देकर गए, नमो भगवते वासुदेव तुभ्यम अनुरुद्धाय प्रद्युम्नाय धीमहि, ऐसे भगवान का वो उन्होंने मुझे भजन, भगवान का भजन करने के लिए मुझे मंत्र प्रदान किया, और जब जब मेरे पास में समय होता तब तब मैं वो मंत्र जाप करता। अभी साधु लोग तो गांव से चले गए, मेरी माँ के मन में इच्छा हो रही है, बोले कब लाला बड़ा होगा, लाला की एक बहू लाऊंगी, घर का सारा दायित्व उसे दे दूंगी, घर में बहू घूमेगी सारा काम करते हुए, और मैं महारानी होकर बैठूंगी। लेकिन मुझे माँ की ये सारी बातें अच्छी नहीं लगे। मेरा मन तो कर रहा था कब मैं साधु के साथ यदि चला जाता, उनके साथ में रहकर अगर भजन करता तो वो ही मेरे लिए अच्छा था। एक दिन मेरी माँ जब गौदोहन करने के लिए गई, शाम का समय था, माँ का पैर पड़ा किसी सर्प पे, सर्प ने उनको काटा, और माँ वहीं पे राम नाम सत्य। जब किसी ने आकर मुझे ये समाचार दिया कि भैया तुम्हारी माँ मर गई, सुन के मन में आनंद भी हुआ और दुख भी हुआ। क्यों, क्योंकि एक माँ ही बाधा थी भगवत भजन करने में, माँ ही एकमात्र बाधा थी। तब नारद जी क्या कहे, उन्होंने वहाँ से उत्तर दिशा की ओर गमन किया। माँ का अंतिम संस्कार क्या सब उसके बारे में चिंता ना करते हुए उसी क्षण उत्तर दिशा की ओर गमन किया। एकमात्र इच्छा है भगवान का भजन करने के लिए, इस दृढ़ इच्छा को लेकर नारद जी भी उत्तर दिशा की ओर गमन कर रहे हैं। अभी यदि कोई भगवत भजन के लिए आए तो ठाकुर जी भी परीक्षा लेते हैं, ठाकुर जी भी परीक्षा लेते हैं। मैंने देखा, मैं जा रहा था वहाँ पर, एक राजा रानी, एक सेठ सेठानी वहाँ पर थे, उनका कोई संतान नहीं थी, मैं छोटा बालक था, मुझे देखकर कहने लगे कि बेटा तू हमें अपना माँ बोल दे, हमें अपना पिता बोल दे, हमारा सारा धन ऐश्वर्य सारी संपत्ति तेरे लिए, तू एक बार हमारी गोद में बैठ जा।
बोले मैं और किसी की गोद में नहीं, केवल ठाकुर की ही गोद में बैठूंगा। इसी प्रण को लेकर मैं घर से निकला हूँ और थोड़ा आगे गया, एक हाथी स्वर्ण कलश लेकर घूम रहा था और जिसके ऊपर वो पानी डाल देगा वही राज्य का राजा बन जाएगा। उसने मेरे ही सर पर वो कलश का पानी डाल दिया। सब लोग आकर मुझे घेर लिए, कहने लगे कि आप ही हमारे राजा हैं। मैंने कहा मैं राज्य कुछ नहीं लेने वाला। और थोड़ा आगे जब गया मैंने देखा एक सुंदर सरोवर जिसके अंदर कमल फूल खिले हुए थे। सुंदर वहाँ पर राजहंस क्रीड़ा कर रहे थे। मैंने वहाँ जाकर उस सरोवर का पानी पिया पेट भर के और वहाँ घनघोर वन के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठकर और संतों ने जो मंत्र दिया था वही मंत्र का मैं जाप करने लगा। मंत्र का जाप करते 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 जब मेरा हृदय पूरा निर्मल हो गया उस समय पर ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप मुझे दर्शन हुआ। ठाकुर जी का बड़ा सुंदर स्वरूप मुझे दर्शन हुआ। किस प्रकार ठाकुर चतुर्भुज रूप लेकर धारण करे हुए हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर पहना हुआ है, सर पे मुकुट धारण कर रखा है, घुंघराले केश उनके सुंदर कपोल से सुशोभित। ठाकुर की एक झलक मुझे ये दर्शन हुई और दर्शन देने के साथ साथ ही ठाकुर वहां से अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जब वहां अंतर ध्यान हो गए मेरी तो आंख खुल गई और आंख खुलते ही मैं एक बात बड़ा पीड़ित हो रहा हूँ। संत लोग उदाहरण देकर बताते हैं जैसे कोई जेठ की गर्मी से आया हो, शरीर पूरा तप रहा हो, उस समय पर उसके सामने एक शरबत का ग्लास दिया, वो शरबत पीने ही जा रहा था, एक घूंट पिया और फिर वापस वो शरबत छीन लिया। भैया पिलाना नहीं था तो मत पिलाते, एक घूंट पिलाकर क्यों मार दिया हो? हाँ, ऐसी ही नारद जी की अवस्था हो गई। क्या वहां पर अविपक्व कषाया नाम दुर्दशो अहम कुयोगी नाम, बता रहे हैं कि वहां पर ठाकुर जी कारण बताते हैं, हे नारद तुम्हारे हृदय की उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ही मैंने क्या किया, ये दर्शन दिया है। अभी इस जीवन में तुम्हें और दर्शन नहीं होगा, अभी अगले जीवन में अगले जन्म में तुम्हें मेरा पूर्ण रूप से दर्शन होगा। यही चिंतन कर करके नारद जी ने वहां पर कठोर भजन किया और अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद होकर वहां पर जन्म लिया। अभी शरीर की तो शुद्धि हो गई थी किंतु भाव की शुद्धि होना भी बड़ा जरूरी है, इसलिए नारद जी ने उस वहां पर क्या किया, नारद जी ने गोवर्धन का आश्रय लिया। गिरिराज गोवर्धन का आश्रय लेते हुए वृंदा देवी से प्रार्थना करी, मानसरोवर में स्नान करते हुए और गिरिराज की तलेटी में भजन किया। भजन करते करते जब उन्होंने श्री जी प्रसन्न हुई, श्री राधा कृष्ण युगल किशोर ने साक्षात उनको दर्शन दिया। साक्षात दर्शन देकर देवदत्ताम इमाम वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानाश्च राम्यहम् मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानाश्च राम्यहम्। देवदत्ताम इमाम वीणा, युगल किशोर ने प्रकट होकर श्री राजा जी ने स्वयं अपनी प्रसादी वीणा मुझे प्रदान करी। उस प्रसादी वीणा पे जब भी मैं स्वर बजाता हूँ, जब भी मैं कीर्तन करता हूँ, तब तब साक्षात राधा कृष्ण प्रकट होकर मुझे दर्शन देते हैं। मुझे युगल किशोर का दर्शन होता है। जिस तेज गति से ये मन धावित होता है उससे भी ज्यादा तेज गति से मैं भ्रमण करता हूँ और सर्वत्र भगवान के कीर्तन का प्रचार करता हूँ। यहाँ पर नारद जी का चरित्र नहीं, नारद जी स्वयं ये एक साधक का चरित्र है। किस प्रकार साधक प्रथम में आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। नारद जी को जब भी झलक दर्शन हुई किस अवस्था में, भाव अवस्था में, उनकी भाव अवस्था आ गई थी। इसलिए शास्त्रों में अनेक अनेक लक्षण बताए हैं कि भाव अवस्था के क्या लक्षण है। जब किसी कोई संत सब कोई साधक भजन करते करते भाव अवस्था में पहुंच जाए, भाव अवस्था में क्या होता है, शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता। जब भी कोई उसको कुछ डिस्टर्ब होने के अनेक कुछ कारण क्यों न रहे तब भी वो विचलित नहीं होता, अपने समय को इधर उधर की फालतू चीजों में व्यर्थ नहीं गवाता। इस प्रकार भाव अवस्था के अनेक अनेक लक्षण बताए हैं। यहाँ पर नारद जी अपने स्वयं का चरित्र बताते हुए वाल्मीकियों को कहते हैं कि तुम भी भगवान कृष्ण की ऐसी ही मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन करो और उससे ही तुमको एकमात्र शांति मिलेगी। उस समय पर नारद जी वहां से चले गए। बाद में व्यासदेव जी ने वहीं पर समाधिस्थ होकर ठाकुर जी की सारी लीलाओं का दर्शन किया और उसी को ही ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध किया, जिसी को आज हम श्रीमद् भागवतम के रूप में श्रवण करते हैं। बोल श्री भागवत कथा अमृतम की जय, बोल श्री नारद बाबा की जय, जय श्री राधे। हम लोगों ने भी ताली नहीं बजाए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। हाँ देखो ये छोटा बच्चे हैं, हम ये बच्चों को सिखाते हैं, हम तो बूढ़े हो गए अभी तो हम कथा नहीं बोल पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे
सब कथा सीख कर कथा बोलने के लिए कोशिश करते हैं। देखो ये बच्चे सब लिखे बड़े बच्चे हैं, ये मत समझो कोई लिखा पढ़ा सीखा ही नहीं और ऐसे आ गया और भजन करने में लग गए। ये सब लिखे बड़े बच्चे, अच्छे लिखे बड़े, बताओ तो तुमने क्या पढ़ कर गाया? देखो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सब आप सभी को दंडवत प्रणाम। क्या पढ़ कर गाया बोलो? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है हरियाणा के सेकेंड टॉप मोस्ट कॉलेज से और डिपार्टमेंट में सेकेंड रैंकर हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संचिन्तयत् भगवच्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाट्यं उत्तुंगरक्तबिलसकनखचक्रवालः ज्योत्स्नाभिरामहदबिरृदयान्धकारः गौरांगी मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचलेद्राघिमा वक्षोजेगरिमा तथेव तनिमा मध्ये गतर्मन्दिमा श्रोण्यं च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरा। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत 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 कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्री भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर जयुक्त हूँ एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा को सादर पर प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णविया आप सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि भगवत भागवत चरित्रों से मैं अपनी वाणी को सफल बनाऊं। अभी श्री गौरांग प्रभु जी श्री नारद जी का उपाख्यान आप लोगों को सुना रहे थे तो एक श्लोक नारद जी की शान में जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते रचन वचन मेकम केवलम चाकलैह ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी आपकी जय हो, आपकी कृपा से ही ध्रुव को ध्रुव पद प्राप्त हुआ है, आप ही की कृपा से कयादुनंदन भगवान को कयादुनंदन जो प्रहलाद जी हैं उनको नृसिंह भगवान ने दर्शन दिए हैं, उन नृसिंह भगवान की प्राप्ति हुई है, आप ही की कृपा से एक बार ही प्रहलाद जी के पुकारते ही नृसिंह भगवान खंभा फाड़ करके प्रस्तुत हो गए। स्तंभाभ्यंतर गर्भ भाग निगमत व्याख्यात तद्वैदही यह पंचानन पंचजन्य वकुशा व्याधस्य विश्वात्मकः। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो हिरणाकश्यप विडारो सुध भूली तन की। भगवान के प्रहलाद जी के बुलाते ही भगवान अपने देह की सुध भूल गए और साक्षात खंभे से प्रकट हुए। ऐसे नारद जी को ब्रह्मपुत्रम नतास्मि ही ऐसे ब्रह्मपुत्र नारद जी को बार बार प्रणाम है। अस्तु महाराज गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि श्री ध्रुव जी के चरित्र पर ध्रुव जी के उपाख्यान पर कुछ कहूं। जब मैं छोटा सा श्रीमद् भागवत जी की सेवा करने लगा था गुरुदेव की कृपा से तब मुझे सबसे प्यारा चरित्र श्री ध्रुव जी का ही चरित्र लगता था। ध्रुव जी का चरित्र भगवत कृपा से श्री सद्गुरुदेव की कृपा से अनंत बार मैंने कहने का सौभाग्य प्राप्त किया है तो आज फिर से ऐसी कृपा हुई है कि वही चरित्र आप लोगों के भी सामने कहूं। देखिए ध्रुव जी अनंत अनंत भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं, बहुत प्यारे भक्त हैं ध्रुव जी। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति है एक का नाम सुरुचि है। सुनीति और सुरुचि दोनों शब्द की बड़ी सुंदर वित्पत्तियां हैं, दोनों शब्द का बड़ा
सुंदर गहन अर्थ है। सुरुचि जिसकी राजा में रुचि है, रुचयाह राजस्तु यस्य सह सुरुचिति नामाख्यः, राजा जिस पर आसक्त हुआ रह रहा है उसको ही सुरुचि कहते हैं। और सुनीति सुंदर नित्याः अथवा भगवत प्रेम आश्रय नित्याः अथवा भगवत सत्संगेन रति तस्याख्यम तस्य नीति इति कथ्यतुम श्री सुनीत्याः, जिसकी भगवत प्रेम में, जिसकी भगवान में जिसकी निष्ठा है, जिसकी नीति सुंदर है, वही सुनीति है। अब दोनों रानियों के पुत्र भी हैं। सुनीति जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है श्री ध्रुव जी, और सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम। एक बार की बात है, राजा अपने आसन पर आरूढ़ थे, उत्तम बैठा था राजा की गोदी में। ध्रुव जी खेलते खेलते राजा की गोदी में जैसे ही बैठने लगे, इतनी देर में ही जो सुरुचि थी, जो ध्रुव जी की दूसरी माँ थी, राजा सुरुचि को बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वह सुंदर थी, सुनीति जी को प्रेम नहीं करते थे, इसलिए सुनीति जी को महल से बाहर उन्होंने रख रखा था। तो जब बैठने लगे ध्रुव जी आसन पे, तो तुरंत उसकी माँ ने सुरुचि ने कहा, ये क्या कर रहा है? जैसे ही बैठने लगे ध्रुव जी, तो सुरुचि जोर से बोली, वहीं रुक जा, तुझे कोई अधिकार नहीं है राजा की गोदी में बैठने का। तुझे राजा की गोदी में बैठने का अधिकार तब प्राप्त होगा जब तू मेरे उदर से जन्म लेगा। इसलिए भगवान का तप कर, भगवान का तप करने से उनकी कृपा यदि प्राप्त होगी तब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब जाकर के तू योग्य होगा राजा की गोदी में बैठने का। इतना कहते ही ध्रुव जी नेत्रों में अश्रुओं को लेकर के भागे हैं वहां से, और जब गए हैं तो जाकर के सुनीति जी ने देखा है आज ध्रुव की दशा कुछ अटपटी लग रही है, और ध्रुव जी ने कहा है माता माता, माता ने गोदी में उठा लिया है ध्रुव जी को, क्या बात हो गई? ध्रुव जी ने सारी बात बताई है, माँ बताओ मेरा क्या अपराध था, अपने पिता की गोदी में बैठने का कौन सा अपराध मैंने कर दिया था, आप बताओ। तो माता ने क्या किया, माता ने कहा अगर आजकल की माता होती, मतलब आजकल की माता होती तो क्या कहती, आजकल की बहुत सारी माता क्या, बच्चा आ गया उसकी गलती वलती तो देखी नहीं, सीधा लड़ने के लिए पड़ोसियों से पहुंच गई, अरे कैसे कह दिया तुझको, अभी बताती हूँ चल के, चल खबर लू। लेकिन धन्य है सुनीति जी, एक माता की क्या शिक्षा होनी चाहिए, वो उसका उसका उसकी अगर झांकी देखनी हो तो साक्षात भगवती सुनीति को देखिए। कहा सुनीति जी ने, देख तू, तेरी माँ ने दो बात कही है, क्या कि पहली बात तो कि मेरी कोख से जन्म ले, दूसरी बात भगवान का भजन कर, इसमें सार, इसमें ग्रहण करने की कौन सी बात है, इसमें ग्रहण करने की बात है भगवान का भजन कर। जो भगवान के भक्त होते हैं वे सारक ग्राही होते हैं, भगवान भावक ग्राही हैं, भक्त सारक ग्राही हैं, सार को ग्रहण करते हैं, इस कारण से सार क्या है, भगवान का भजन कर। देख बेटा उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, तू भगवान का भजन कर। अरे ये नश्वर सी गोदी राजा की, इस पर बैठने की बजाय जगत पिता जगदीश्वर की गोदी में बैठ, वहां पर बैठने के बाद फिर दोबारे से जन्म नहीं लेना पड़ता, वो अक्षय गोदी है भगवान की, इसीलिए तू भगवान का भजन कर। देख हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग संसार की ओट लेते हैं, संसार का सहारा लेते हैं, इस कारण से दुखी होते हैं, पर जो श्री ठाकुर जी का अवलंबन लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। इसलिए चूहे की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दवन को फारे, सियार की ओट से सियार बचे नहीं, सिंह पड़े तब दवन को फाड़े, ऐसे ही यह जीव कभी कहूं ओट बचे नहीं, अरे हरी ओट बचे यह वेद पुकारे। जैसे एक चूहा किसी चूहे, बिल्ली आ गई तो चूहा किसी चूहे के पीछे छुप करके यूं सोचे कि मैं बच जाऊंगा, तो बिल्ली को तो एक के साथ एक मुफ्त मिल गया, वो तो दोनों को फाड़ देगी। सियार सोचता है दूसरे सियार के पास पीछे छुप करके कि मैं इस सियार का अवलंबन लूंगा तो शेर आकर के मुझे नहीं देखेगा, लेकिन शेर को तो दो मिल जाते हैं। ऐसे ही यदि हम लोग संसार की ओट लेंगे
तो हम लोग कहां बच पाएंगे। लेकिन अगर केवल और केवल श्री राधा मनोरम प्रभु की शरण लेंगे तो पक्की बात है हम लोग पक्का इस माया, इस भयंकर संसार के दिव्य ताप से, संताप से और कलुष किलविश और उस क्लेश से बच पाएंगे। इसीलिए ध्रुव जी की मैया ने कहा तू भजन कर। इतनी देर में ही ध्रुव जी रोने लग गए। माँ ने पूछा अरे तू रोता क्यों है, तो माँ ने कहा, ध्रुव जी ने कहा कि माँ जब मेरे को मेरे पिता की गोदी से उठा दिया तब मैं यूं सोचता था हाय मैं किस अभागी माँ की कोख से जन्मा हूं कि मुझे राजा की गोदी में बैठने का भी अधिकार नहीं मिला। परंतु धन्य है माँ, अब ऐसा समझता हूं कि साक्षात भगवान की भक्ता उपदेश कर रही है। माँ अब मैं इस नश्वर शरीर, इस नश्वर गोदी में नहीं बैठूंगा। नहीं बैठेगा? नहीं तो फिर कहां बैठेगा ध्रुव? ध्रुव जी ने कहा कि अब तो बैठू सकल गोद निर्भय हो सदा सहित सम्मान पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान। माँ मैं तो अचल गोदी में बैठूंगा ठाकुर जी की। इतना कहकर के प्रणाम किया है मैया को और ध्रुव जी भजन के लिए चल दिए हैं। अब भजन के लिए चल दिए ध्रुव जी, जैसे ही गए थोड़ी दूर के बाद सोचने लगे ध्रुव जी कि माँ को कहकर के मैं भजन के लिए आ तो गया पर भजन का उपदेश कौन करे, कैसे भजन करूं, कहां भजन करूं। तब देखो यदि मन में भजन करने का संकल्प होता है ना तो ठाकुर जी सद्गुरुदेव की व्यवस्था कर देते हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं। इतनी ही देर में जब ऐसा ध्रुव जी का मन हुआ तो भगवान ने नारद जी को भेजा है। मिल गए नारद मुनि मग में पड़ा ध्रुव मुनि के चरणन में गुरु जी अब दीजो ज्ञान हमें तो ऐसो मंत्र दियो कानन में मिल गए श्री भगवान पायो चल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान। नारद जी ने कहा अरे ध्रुव कहाँ जाता है। ध्रुव ने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई, भजन के लिए जा रहा हूँ। भजन के लिए जा रहे? अरे ये कोई ₹2 की कोई मिठाई नहीं है भजन। बड़े बड़े योगी फेल हो जाते हैं इसमें। कहाँ तू भजन के लिए जा रहा है? चल एक काम कर, चल मैं उत्तानपाद को कहता हूँ तुझे गोदी में बिठाए, तुझे आधा राज्य दे। तो इतना कहते ही ध्रुव जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले क्या बोले ध्रुव जी? बोले वाह भजन की क्या महिमा है आज देखने को मिल गया। अरे अभी तो भजन करने के लिए मैं चला ही था, भजन किया भी नहीं था तो करने केवल चला था तो ही आधा राज्य मिल रहा है, यदि भजन करूंगा तो क्या मिलेगा। अरे वो सोचो, जब इतना कहते ही नारद जी ने कहा, जब नारद जी अति देखने लग गए कि वास्तव में इस बच्चे की रुचि है तो नारद जी ने कान में मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवस्य भगवते ओमाख्याः उपायायन यह। ये द्वादशाक्षर मंत्र दिया है तो जो द्वादशाक्षर मंत्र कान में दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो नारद जी ने कर्णों में प्रवेश किया है वो मंत्र ध्रुव जी के और हृदय के संपुटों में प्रवेश करके और भगवान की दिव्य प्रीति को प्रकट किया है। उसके बाद कहा हाथ जोड़ करके ध्रुव जी ने नारद जी से कि गुरुजी आपने मंत्र का तो उपदेश कर दिया पर जाऊं कहां, भजन करने कहां जाऊं। तब कहा नारद जी ने कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचे पुण्यम मधुबनम तत्र सानिध्यम नित्य दाहरे। वहां चला जाए यमुना जी के किनारे। अच्छा हाँ वहां पर आज भी यमुना जी के किनारे मधुबन में आज भी ठाकुर जी का प्रत्यक्ष विराजमान वहां पे है। इसीलिए ये ब्रज की अनन्यता है, मतलब ब्रज पहले से ही है, ठाकुर जी के धाम पहले से ही है, आदि है ना ठाकुर जी के धाम भी पहले से है। श्री भगवान अस्य रूप लीला नाम धृक् ना अभेदा भेद भेद कर तुम यह सब कार्यात किम। भगवान के नाम रूप लीला धाम इन सब में कोई भेद नहीं है, श्री भगवान अनादि हैं और ये सब भी अनादि ही हैं।
इस कारण से उनको कहा कि जा और जाकर के कर। ध्रुव जी गए हैं, जाकर के जब भजन के लिए बैठे हैं, ध्रुव जी ने तप करना शुरू किया। तो देखिए, सबसे पहले ध्रुव जी ने तप किया है तो क्या खाया है तप करने पे? पहले ध्रुव जी ने क्या किया, सबसे पहले क्या 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 ग्रहण किया है ध्रुव जी ने? कपित, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित बदरासनः। कपित का फल खा करके ध्रुव जी ने भजन करना शुरू किया है। एक महीने केवल ध्रुव जी ने कपित का फल खाया है। कपित का फल क्यों खाया? आहा, इस पर सुबोधिनीकार वल्लभाचार्य जी की टीका देखिए। उन्होंने कहा कपित का फल इसलिए खाया क्योंकि कपित गणेश जी को प्रिय है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षिणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मानो ध्रुव जी कपित का फल खा करके कह रहे हैं, हे गणेश जी, आपको श्री कृष्ण ने प्रथम पूजनीय होने का सौभाग्य प्राप्त किया है और आप विघ्नहर्ता है प्रभु आप, इस कारण से मेरे भजन में कोई विघ्न ना आवे इसलिए आप कृपा करो। इसलिए कपित का फल खाया। ध्रुव जी ने एक महीने कपित का फल खाया, उसके बाद केवल जल से ही तपस्या कर रहे हैं, उसके बाद केवल जो सूखे पत्तों से ही केवल, उसके बाद ऐसा ऐसा करके अब ऐसी स्थिति आ गई ध्रुव जी की कि ध्रुव जी केवल और केवल वायु का भक्षण कर रहे हैं। अब इसको विष्णु पुराण से सुनो। विष्णु पुराण में लिखा है कि जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को चिंता हो गई कि मेरे आसन का क्या होगा, क्योंकि इस पर टीका लिखी गई है कि जब हमारा भजन थोड़ा ऊपर उठता है तो सबसे पहले वो भजन देवलोक का अतिक्रमण करता है, और जब देवलोक का अतिक्रमण करता है वो भजन, तब देवताओं को दिक्कत हो जाती है। उनका वो सोचते हैं मेरा सिंहासन छिन जाएगा। अब उनको तो छिनने मिलने की चिंता है देवताओं को। तो क्या किया इंद्र ने? इंद्र यम को लेके गए हैं और यम के साथ अग्नि फेंकी है, वायु फेंका है, सब कुछ प्रयास किया है, लेकिन ध्रुव जी का कुछ नहीं हुआ। भजन का बल है ना उनका। उसके बाद इंद्र ने चालाकी करी है, साक्षात सुनीति जी का वेश बना करके वो आया है। वो रोने लग गया, सुनीति जी रोने लग गई, अरे ध्रुव तू तो मेरा एक ही बालक है, चल 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 तू मेरे साथ, अब छोड़िए भजन वजन। ध्रुव जी ने देखा जो माता मुझको भजन में लगाने वाली है वो मुझे भजन विमुख कर रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्रुव जी तुरंत वहीं की वहीं भजन के आसन पर खड़े रहे। तब देखा देवताओं ने कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो अड़िग है। तब साक्षात श्रीमन नारायण के पास सारे देवता गए हैं कि प्रभु ये सारी की सारी वायु इस ध्रुव ने ग्रहण कर ली है, दिक्कत हो रही है, आप जाकर के दर्शन दो। अब यहाँ पर ध्रुव जी की स्थिति देखिए। जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे तो 6 महीने की अवधि पूरी हो गई। ध्रुव जी ने सोचा, एकदम से ध्रुव जी के आंखों से आंसू गिरने लग गए। सोचा क्या मेरे भजन में बल नहीं है, क्या मेरे भजन से श्री भगवान प्रसन्न नहीं हुए, क्या मैं भगवान के दर्शन करने का योग्य नहीं हूं? तो उनकी आंखों से आंसू निकला, वो आंसुओं की बूंद नाक को छूते हुए, होठों को छूते हुए, कपोलों का अतिक्रमण करते हुए, थोड़ी पर 2 क्षण रुकते हुए, जैसे ही पृथ्वी पर गिरी सोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण प्रकट हो गए। शशंक चक्रम सक्रीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शरशाम चतुर्भुजम। भगवान प्रकट हो गए, और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी को देखा है भगवान ने। जब ध्रुव जी भगवान को देख रहे, भगवान ध्रुव जी के अंदर जो भगवान का स्वरूप, भगवान ने उसको खींचा, खींचते ही ध्रुव जी एकदम से हतप्रभ हो गए और देखा साक्षात भगवान खड़े हैं। भगवान को देखा ध्रुव जी ने, ध्रुव जी भगवान को देख रहे, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ कर कहा, भगवान मेरी माता ने कहा था कि भगवान मिल जाए तो कुछ स्तुति कर देना, कुछ तो स्तवन कर देना, पर मैं 5 साल का बच्चा, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो मैं क्या स्तुति करूं आपकी? भगवान तो समझ गए ना। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, वैसे स्तुति की जरूरत नहीं, पर फिर भी तेरी इच्छा है तो कोई बात नहीं। भगवान ने अपना 5 जन्य शंख ध्रुव जी के कपोल पर चुभाया। कृतांजलि मैन कंबुनात परस्पर्श बालम कृपया कपोले। जब कपोल पर स्पर्श किया वो शंख तो फिर क्या हुआ? वेदमयी वाणी पाकर ध्रुव
ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। भगवान ने पांचजन्य शंख को चुबाया है, ध्रुव की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई, उसके जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के दुष्प्रभाव दुस्संग दुष्प्रवृत्ति जलकर के भस्म हो गई और ध्रुव की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। ध्रुव ने स्तुति करी, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधन्नाम अन्यस्त हस्त चरण श्रवण त्वकादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान ने ध्रुव जी ने स्तुति कर दी, यो अंतः प्रविश्य, इस पर चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं कि यो अंतः प्रविश्य, हे प्रभु आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा मन ऐसे कर रहा है कि उछल करके कूद करके आपकी गोदी में घुस जाऊं। मम चमिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधान नाम, अखिल शक्ति को धारण करे स्वधान नाम, प्रभु आप दिव्य दिव्य आयुधों से सुशोभित हैं, आप मुझ पर कृपा करें। तो भगवान ने कहा ठीक है, हो गई स्तुति, ठीक है अब तू कुछ मांग ले भैया। ध्रुव ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, पहले मन में तो लालसा थी राज्य की, पर आपका मंगलमय दर्शन करके मेरी सारी की सारी अभिलाषा पूर्ण हो गई है प्रभु। इस पर देखिए हमारे आचार्य कह रहे हैं कि किसी की मन में कामना भी हो ना, इच्छा भी हो, तो इच्छा और कामना युक्त तो भी भजन करेंगे ना तो धीरे धीरे वह इच्छा भी खत्म हो जाएगी, ये हमारे आचार्य चरण कहते हैं। इस कारण से भगवान ने कहा कि भैया तू कुछ मांग ले। ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा देख मेरा जब दर्शन हो जाता है ना तो खाली हाथ नहीं देता, नहीं छोड़ता मैं, तू मांग। ध्रुव जी ने कहा ठीक है यदि देना ही चाहते तो दीजिए। क्या भक्ति मोह प्रवताम त्वे मे प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयानाम यनविंज सोल्वणम उर्व्यसनम भवाद्विम नेसे भवत गुण कथाम मृदपान मत्तः। ये दे दीजिए, मतलब वर दीजिए सत्संग बैठ नित करूं कथा मृत पान पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। भगवान से क्या मांगा, प्रभु आपके लाडले संतों के मुख से प्रस्तुत हुई हरि कथा सुनने को मिल जाए, आपके लाडले संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, बस इतना ही चाहिए। भगवान ने कहा एवं अस्तु, लेकिन इसके अलावा चिंता मत कर, मैं तेरे को ध्रुवलोक दे रहा हूँ, ध्रुवलोक की प्राप्ति तुझे होगी। ये ध्रुवलोक वही है जो जिसकी सप्तऋषि मंडल परिक्रमा करते हैं, ये मेरा ही धाम होगा ध्रुवलोक, तो चिंता मत कर। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया है। एक दिन क्या हुआ, बाहर ध्रुव जी निकल रहे थे अपने अच्छा इससे पहले क्या हुआ, जैसे ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए, भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो ध्रुव जी वापस अपने महल में आ रहे थे, उधर उत्तानपाद जो ध्रुव जी का पता था उसको नारद जी ने सारी बात बता दी, और सारी बात बताने के बाद पिता को विफल हो गए पिता, और वो जंगल की तरफ आ रहे हैं, ध्रुव जी घर की तरफ जा रहे हैं, देखा सामने से पिता ने ध्रुव आ रहा है, और ध्रुव ने सोचा कि अगर पिता ने पहले प्रणाम कर दिया तो मेरा बेटा होना कलंकित हो जाएगा, इस कारण से पहले ही ध्रुव जी लेट गए पिता के चरणों में। ध्रुव जी को पिता ने उठाया है और गोदी में लिया है, गोदी में लेकर के गाल पर चुंबन किया है, ध्रुव जी का वही गाल जिस पर भगवान ने शंख चुबाया था, तो जैसे ही ध्रुव जी को उसने चुंबन किया है तो कपोल पर हरि अधराम मृत लगा था, उत्तानपाद के मुख में चला गया, उसके जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के दुष्प्रभाव दुस्संग दुष्प्रवृत्ति जल करके भस्म हो गई और वैराग्य का उद्भव हो गया, और कहा ध्रुव से ध्रुव अब तू राज्य संभाल और मैं परमार्थ संभालता हूं। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया है। एक दिन ध्रुव अपने महल से बाहर निकल रहे थे तो देखा सामने से एक भयंकर सी स्त्री बालों को खुला करके सफेद वस्त्रों से आच्छादित हुई घूम रही थी। देखा ध्रुव ने पूछा देवी आप कौन हैं, उसने कहा साक्षात मौत हूं, ध्रुव बरसों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं, मेरे द्वारा ही इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से व्यक्ति परे जा पाता है, मुझ पर कृपा करो और तुम्हारे चलने का समय हो गया। ध्रुव जी ने संकल्प किया है, आकाश से विमान धरती पर उतरा है, क्योंकि वह विमान आप अप्राकृतिक था इसलिए प्रकृति का स्पर्श नहीं कर पाया, इसलिए विमान धरती से थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। ध्रुव ने कहा हे मौत
जरा तू नीचे झुक जा, तेरे ऊपर पैर रख करके मैं इस पर चढ़ूंगा। देखो मौत तो वही है जैसे एक बिल्ली है। बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को उठाती है और प्यार से बिल में मुंह में लेकर के प्यार से बिल में डाल देती है। और वही बिल्ली का वही मुंह है, जब वो किसी चूहे को पकड़ती है तो उसको फाड़ देती है, उसकी भया भय दशा हो जाती है। ऐसे ही मौत तो वही है जब वो किसी व्यभिचारी दुराचारी के पास, भजन ना करने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाती है तो उसकी भया भय दशा कर देती है। लेकिन वही मौत जब भक्त के पास आती है तो उस भक्त के स्पर्श से अपने आप को धन्यात धन्य कर देती है। इसी कारण से ध्रुव जी ने क्या किया, मौत के ऊपर पैर रखा, मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहात भूतम गृहम, मृत्यु के मुख पर मस्तक पर पैर रख करके और ध्रुव जी अपने विमान में पहुंचे हैं और विमान के बाद ऊपर भगवान के ध्रुव लोक को पहुंचे हैं। आज भी ध्रुव जी ऊपर ही हैं और सप्तऋषि मंडल उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। जब ध्रुव जी ऊपर जाने लगे अपने धाम को तो ध्रुव जी ने कहा मेरी मैया कहाँ है, मैया कहाँ है? तो देव पार्षदों ने कहा देख तुझको भजन में लाने वाली तेरी मैया तो पहले आगे आगे भगवान के धाम को जा रही है। इस कारण से माता का यही कर्तव्य है कि अपने बच्चों को भजन में लगाए, क्योंकि भजन में यदि बच्चों को लगा दिया तो क्या होगा क्या नहीं ये तो श्री भगवान के हाथ में है। पर इतना याद रखना तुम्हें किसी तुम्हें भगवान को कोसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान ही मंगलमय कृपा करेंगे। ये सुंदर ध्रुव चरित्र महाराज, इसको मैंने 8 दिन तक कुंभ में कहा था इस ध्रुव चरित्र को, पर आज संक्षेप समास व्यास शैली में इस ध्रुव चरित्र को कहा है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जितना भी कहा है ये सब गुरुदेव ने मुझको पढ़ाया है। भैया इन सभी शब्दों के साथ वांछा कल्प तरुवृष्टि कृपा सिंधु पतिता नाम पावन वैष्णव तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। श्री ध्रुव महाराज की जय। जय जय श्री राम। हाँ देखो ये ध्रुव चरित्र में इधर सुना, कल है कथा की चतुर्थ दिवस है, कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले और जब मैया जसोदा गर्भधारण की 6-6 महीना पहले जितने ब्रज की गोपियां थी 84 गज की लहंगा चुंदरी बना करके रखे और जितने गोप लोग थे ना बड़े सुंदर बगलबंदी धोती पगड़ी बना करके रखे। बोले कृष्णा जन्म लेगा तो हम सबके सब पहन करके नंद महोत्सव के लिए जाएंगे, इसलिए कल भगवान कृष्णा जन्म लेने वाले, इसलिए आप जितने गोपियां आई ना, आप जितने गोपियां आए कल सबके सब 84 गज की लहंगा पहन करके आना। आपका जो शादी का जो कपड़ा होगा ना अभी आलमारी में रखे एक सब खराब हो रहा है, सब शादी की सब चुंदरी और लहंगा चुंदरी सबके सब निकालना, ठीक है? कल सबके साथ पीले पीले रंग के सब कपड़ा पहन कर आना। कौन सा रंग के? अगर नहीं हो तो किसी उधार करके पहन, उधार की जरूरत नहीं, लेकिन कोशिश करना अगर पीले रंग हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो तो तुम्हारे पास में जो होगा अच्छे कपड़ा पहन कर आना, क्योंकि कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं। और कल जब आओगे ये जो कथा आप लोगों का कथा है, आप लोग सब मिल करके ही ये कथा को कर रहे हो, इसलिए जैसे बच्चे जन्म होने पर जैसे टफी बिस्कुट और मखाना और जैसे किसी खिलौना को जैसे हम लुटाते हैं, आप लोग कुछ ना कुछ लेकर के आना, क्योंकि आप बच्चे का बर्थडे हो इतने पैसा खर्चा करते हो और ठाकुर जी अपना बेटा है, वास्तव रूप में बेटा तो हमारी ठाकुर जी है, ये बेटा कभी धोखा दे सकता है? देखना भैया बच्चे को 9 महीना तक धारण करती है, प्रसव पीड़ा सहन करती है, मुंह की खाना निकाल करके बच्चे को खिलाती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, जब घर में शादी हो जाए बहू आ जाए एक रात में ऐसे मंत्र देती दूसरे दिन बेटा को बुद्धि करा, लेकिन कन्हैया कभी ऐसे नहीं करेगा, भगवान कभी ऐसे नहीं करेंगे, भगवान हर समय याद रखेंगे, ठाकुर जी याद रखेंगे, इसलिए कल सज करके आना और टफी बिस्कुट और जैसे लुटा देना खिलौना पिलौना थोड़ा थोड़ा लेकर के आना, कल ये सब आपको ही मिलेगा, ठीक है? बोले श्री नंद के लाला की जय। जोर से बोलो बोले श्री नंद के लाला की जय। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। हाँ देखो आज जो एकादशी है, आज कितने भक्त एकादशी रखे हो, हाथ उठाओ तो
हाँ, मेरी माताओं ने एकादशी व्रत रखे हो, जो रखे हो बहुत अच्छी बात है, जो एकादशी नहीं रखे हो अगली बार जरूर एकादशी व्रत को रखना। पहले मैंने बताया था ना, ये जो एकादशी व्रत है ये कल्पतरु व्रत है। कल्पतरु व्रत मतलब होता है आप एकादशी व्रत रख करके जो कुछ ठाकुर से मांगोगे ठाकुर सारी इच्छा को ठाकुर जी पूरी कर देते हैं। कल मैंने बताया था एक है पुत्रदा, पुत्रदा मतलब जिनके घर में बच्चे जन्म नहीं हो रहे, बेटा जन्म नहीं हो रही, इसलिए कल हम सुनेंगे कैसे नंद बाबा के घर में संतान नहीं था, लेकिन यही पुत्रदा एकादशी से कृष्ण जन्म हुए। एक का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जो एकादशी करने से घर में खूब माल आएगा, खूब पैसा आएगा। एक का नाम अर्णदा, अर्णदा मतलब जो एकादशी व्रत करने से अर्ण घर में आती है। एक का नाम मोक्षदा, जिसको करने से संसार से मुक्ति मिलती है। एक नाम विजया, जिसको करने से सर्वदा तुम्हारी विजय विजय होगी, कभी तुम्हें परास्त कभी नहीं होगी। हर एकादशी का नाम लिखना अलग अलग है। देखो आज जो एकादशी है इसका नाम है पाप मोचन, इसकी थोड़ा कथा सुनो। इसका नाम पाप मोचन क्यों, संसार में हमें दुख कष्ट क्यों आता है, कारण क्या? बोले कारण है हमारी प्रारब्ध है, पूर्व जन्म में हमने जो पाप किया उसका फल स्वरूप में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, जितने दुख का कारण ये हमारे पूर्व जन्म का पाप है। लेकिन आज देखो ये एकादशी के नाम पाप मोचनी, इसकी कथा सुन लो, बड़ी प्यारी कथा है। बोले एक समय स्वर्ग में इंद्र चंद्र वायु जितने सारे देवता बैठे हुए, वहां पर एक अप्सरा और अप्सरी, गंधर्व और गंधर्विणी वहां पर नृत्य विद्या दिखा रहे थे। उसमें जो अप्सरी गंधर्विणी थी वो देखने में बहुत सुंदर थी, वो जो गंधर्व था उसको प्रति बहुत ही आसक्त, क्यों? वो देखने में बड़ी सुंदरी, बड़ी प्यारी थी। जब देवता को सामने नृत्य कला दिखा रहे थे, वो जो गंधर्व था वो बारंबार वो जो गंधर्विणी पर देखते जाए कि वो बड़ी सुंदरी थी, लेकिन वो तो नृत्य विद्या दिखाने के लिए आया। इतने में राजा इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया, बल्कि ये देवता को सामने तुमने नृत्य विद्या दिखाने के लिए आए और तू गंधर्व की तरफ में देखते देखते जा रहे हो और नृत्य विद्या को तुम उल्टा पुल्टा कर रहे हो, हम तुमको अभिशाप देता हूँ, मरते जगत में तुम दोनों प्रेतात्मा होकर की पिशाच जन्म रूप में मरते जगत में तुम्हारी जन्म होगा, अभिशाप दे दिया। अब अभिशाप पा करके दोनों पिशाच और पिशाची होकर के आए और कोई भोजन करने के लिए जाए वो गायब हो जाता है, पानी पीने के लिए जाए पानी पी नहीं सकते हैं, पेड़ को प्रवेश पेड़ टूट जाता है, बड़ा दुर्दिनी अवस्था है। वो क्या करते हैं, किसको ऊपर सवार हो जाते हैं, सवार होकर के उसको खून को पीते रहते हैं, खून को चूसते रहते हैं। ऐसे बड़े कष्टों से बड़े दिन तक उन्होंने जीवन बिताया, बड़े दुख कष्ट से। एक दिन दोनों सोच रहे हैं क्या हम जीवन को ऐसे ही बिताएंगे, दुख कष्ट में जीवन को बिताएंगे, इसलिए ये जो पाप मोचनी आज का जो एकादशी का नाम पाप मोचनी, ये एकादशी करने पर जीवन का सारे पाप खत्म हो जाएगा। चलो हम दोनों ये एकादशी व्रत रखते हैं। लेकिन जो एकादशी व्रत का जैसे हम लोग फलाहार करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, एकादशी का दिन कुछ फलाहार नहीं करते थे, पूरा के पूरा उपवास रहते थे, हैं? कोई एक बार खाते हैं जैसे अभी अच्छी बात है, इसलिए पूरा के पूरा उन्होंने बोले, लेकिन हम रह नहीं सकते जब तक खून नहीं पिएंगे, बोले जितने कष्ट होने पर भी हम खून नहीं पिएंगे और ये पाप मोचनी एकादशी व्रत को हम रख रहे। बड़े कष्ट से उन्होंने ये पाप मोचनी एकादशी व्रत रखे। नियम है एकादशी का दूसरा दिन एक समय होता है, उस समय को अंदर में ये व्रत को खोलनी चाहिए। जब उन्होंने भगवान को भोग लगा करके हाँ, जैसे कल जैसे 9-10 बजे को अंदर में, आप लोग कोशिश करना 9 बजे को अंदर में एकादशी का दिन जो चीज नहीं चलती है, जैसे रोटी सब्जी जैसे चावल, ठाकुर जी को थोड़ा भोग लगा करके उसको आप ग्रहण कर लेना, फिर आपका व्रत खुल जाती है। इतने में उन लोगों ने जब एकादशी व्रत को खुले ना, एकादशी व्रत खुलते ही दोनों जो प्रेत जन्म पिशाच जन्म में थे सारे पाप से मुक्त हो गए, सब पाप से मुक्त हो गए, पूरा पूरा मुक्त होकर के फिर दोनों गंधर्व गंधर्विणी बने और फिर स्वर्ग में गए। जब स्वर्ग में गए इंद्र देख करके बोले, मैंने जिनको अभिशाप दिया हूं
ऐसे कौन तुम लोगों ने कर्म किया जो कि मेरे अभिशाप से तुमको मुक्ति करने वाले कौन कौन तुमको मुक्ति कर सकता है? मैं इंद्र ने अभिशाप दिया था। बोले हम दोनों ने ये पाप मोचनी हमने एकादशी व्रत रखा है, इसी एकादशी व्रत से ही हमको मुक्ति मिली, इतने शक्ति ये एकादशी व्रत की। इसलिए अगर कोई सोमवार नहीं करके मंगलवार बुध जो व्रत रखते हो, अगर कोई व्रत नहीं करके उसमें कोई हानि नहीं, लेकिन अगर एकादशी व्रत नहीं रखोगे ना, उसी दिन अगर अन्न भोजन करोगे, ये अन्न में गौ हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या और पिता माता की हत्या, ये पांच पाप एकादशी का दिन ये अन्न में आश्रय करके रहता है। एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करेगा उसको कोई पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, पाप से तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भले ही कोई व्रत रखो और मत रखो, लेकिन कोशिश करना जरूर ये एकादशी व्रत को रखने के लिए। इनकी बहुत सारी कथा है और एक कथा सुन लो। हमारे भारत में एक राजा हुए थे जिनका नाम था रुक्मांगद महाराज, ये पुरानी कथा है। ये राजा बड़े कृष्ण भक्त थे, ये स्वयं का व्रत रखते थे और सबको एकादशी व्रत रखाया करते थे राज्य में, क्योंकि राजा स्वयं भक्त था है और विष्णु भक्त मात्र से ही एकादशी व्रत रखते हैं। और उनका निर्देश था मेरे देश में अगर कोई एकादशी व्रत नहीं रखेगा उसको मृत्युदंड, मृत्युदंड उसको मिलेगा, नहीं तो राज्य से उसको निकाल देता था, इतने कठोर था राजा। एकादशी मतलब ग्यारस, ग्यारस कहते हैं ना, हमारी ग्यारह इंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया और इनका राजा मन, ये ग्यारह इंद्रियां हैं। नियम है एकादशी व्रत में हमें ये ग्यारह इंद्रियों को ठाकुर को सेवा में लगाओ। ऐसे नहीं उस दिन अन्न तो नहीं खाए, लेकिन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एकादशी का दिन एक माला करोगे ना, सौ माला करने का फल मिलेगा हैं। इसलिए एक जैसे अम्बरीश महाराज क्या करते थे, बोले सबई मन कृष्ण पदार विंदयो, मन को ठाकुर का चरण में लगा कर रखते थे। बोले बाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी को तरह भगवान की कीर्तन करते थे। बोले करो हरीर मंदिर मार्जन आदिशो, हाथ को तरह ठाकुर को सेवा करते थे। बोले श्रुति च अक्षकार अच्युत कथा दयो, कानों से भगवान की कथा सुनते थे, प्यार से मंदिर परिक्रमा तुलसी परिक्रमा करते थे। ऐसे एकादशी, एकादशी का दिन क्या करनी चाहिए, एकादश इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। राजा स्वयं भजन करते थे, सबको भजन में लगाते थे। अभी घर घर में कीर्तन भजन, आज जिस घर में एकादशी हो ना उस घर में पाप नहीं घुस सकता है। अभी पाप तो दुखी होकर ब्रह्मा के पास में गए, बोले प्रभु ये कौन सा राजा आ गया, ये स्वयं एकादशी व्रत करता, सबको एकादशी व्रत करवाता है, अभी हमारे तो कोई स्थान ही नहीं, हमें कोई स्थान दो। बोले कोई चिंता मत करो, हम व्यवस्था करते हैं। तब उन्होंने एक मोहिनी नाम के एक लड़की की सृष्टि की, वो इतनी सुंदर थी मोहिनी, सचमुच से वो मोहिनी थी। बोले मेरा क्या कर्तव्य, बोले राजा जाते हैं जंगल में घूमने के लिए, किसी तरह से एकादशी व्रत नष्ट कराओ, उनके घर में तो रानी बन करके जा। राजा जब जंगल में गए एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे जिनका था नाम वामदेव, जब उनको आश्रम पर पहुंचे देखो एकादशी कितने महत्व है, तब ऋषि ने इनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले महाराज आपको पता है आप इसी जीवन में राजा कैसे बने, अब ध्यान देकर सुनो, अनजान में भी आप एकादशी व्रत रखोगे तो उसका कितना महिमा है। बोले पूर्व जन्म में आप एक शूद्र थे, आपकी जो पत्नी एक वेश्या शूद्राणी थी, आप उसको प्रति बहुत ही आसक्त थे, क्योंकि वेश्या वो देखने में बड़ी सुंदर थी। एक दिन एकादशी व्रत आया, लेकिन आप दोनों को पता नहीं आज एकादशी, उसी दिन आपका जो पत्नी शूद्राणी वेश्या थी उसको बड़ी तेज शरीर में बुखार आ गई, अभी वो छटपट करने लगी, भूखा रही, खाए खाना नहीं खाई, आप तो उसको प्रेम करते थे, आप भी उसका विरह में आप भी भोजन नहीं किए और वो बुखार सही नहीं हुआ, बढ़ते 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 दिन भर छटपटाए, रात भर छटपटाई और दूसरे दिन उसने प्राण त्याग की और एकादशी का दिन थी, उसको हो गया निर्जला एकादशी। आप भी दुखी होकर भजन नहीं किया, आप भी उसका दुख में शरीर छोड़े, आप दोनों का हो गया निर्जला व्रत। एक एकादशी का फल ये हुआ, अभी देश का राजा आप हो, वो जो शूद्राणी आपका जो रानी है ना वही शूद्राणी अभी आपको पटनानी बन करके आई। अगर अनजान में भी पति पत्नी का भी झगड़ा हो जाए ना, देखना दो तीन दिन तक एकादशी घर में चलती है, हैं? तो तीन दिन तक घर में एकादशी चलना शुरू हो जाती है, अगर झगड़ा हो जाए तो
इसलिए अनजान में करके इतना फल मिली। अगर कोई जान बुझ कर करेगा तो राजा को बड़ा निष्ठा हो गया। थोड़ी दूर गया तो मोहिनी को देखा, वो सचमुच से इतनी सुंदरी मोहिनी थी। राजा उसको प्रति मुग्ध हो गए, बोले तुम्हारी नाम क्या? बोले मोहिनी। बोले सचमुच से तुम मनमोहिनी हो, हैं? लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई। बोले हाँ मेरी शादी नहीं हुई। बोले मैं जैसे सुंदरी ऐसे किसी पुरुष को ढूंढता हूँ। बोले देश का राजा मैं, मेरे से शादी करोगे? बोले शादी करूंगी, एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले मैं जो बोलूंगी आपको सुनना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, तुम मेरी रानी बनोगे, है मेरी तुम रानी बन गए, कोई बात नहीं। अभी उन्हें शादी करके लाई, और पहले राजा ने शादी किया था, उसका एक बेटा था धर्मांगद, वो धर्म स्वरूप था। जब घर में आए, ये रानी ने क्या की, जो ब्राह्मण लोगों को छुपा छुपा करके बुलाई। बोले देखो ब्राह्मणों, एक मेरे काम कर सकते हो? बोले बताओ। बोले राजा अगर तुम लोगों को पूछे एकादशी व्रत किसको करनी चाहिए, शास्त्र की बात नहीं बताना, शास्त्र बात को छुपा देना, कुछ मन गणत बात बोल देना, ये बोलना अरे एकादशी जो बूढ़ा बूढ़ी हो गए कर लेंगे, जो विधवा है कर ले, कोई जरूरत नहीं सब एकादशी व्रत रखने का। अगर ये बात को स्थापन कर दिया ना तो मैं रत्न से झोली भर दूंगा। ब्राह्मण लोग तो लोभ में आ गए, बोले कोई चिंता मत करो। लेकिन देश का नियम था, जैसे कल एकादशी, एक दिन पहले ढिंडुरा पिटवाया करते थे हाथी के ऊपर पीठ में बैठ करके। बोले सावधान, कल एकादशी व्रत है, राजा का निर्देश, राज्य में सभी प्रजाओं को एकादशी व्रत रखना पड़ेगा। राजा का राज्य में जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसको फांसी दंड, नहीं तो राज्य से उसको निकल जाना पड़ेगा। इतने में रानी बोली, महाराज ये ढिंडरा क्यों पिटवा रहे हैं? बोले महारानी हमारे देश का नियम है सबको एकादशी व्रत रखना पड़ता है। बोले ये एकादशी फिकादशी वो संस्कृति कहाँ से लाए? कोई पुराण शास्त्र में है क्या? ना अपना मनमानी ढंग से हम चला रहे। बोले पुराण में, बोले दिखाओ कहाँ पर। राजा तो ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, ब्राह्मण लोग पढ़ते थे। ब्राह्मण को बुलाया, बोले ब्राह्मण आ जाओ, गीता रामायण भागवत लेकर के बताओ कहाँ पर एकादशी की बात। लेकिन ये राजा को पता नहीं, ये रानी पहले ही से पट्टी बढ़ा करके रखी। लेकिन ये ब्राह्मण लोग लोभ में आ करके शास्त्र को बात को छुपा दिया। बोले महाराज कोई जरूरत नहीं सबको एकादशी करने का, जो बूढ़ा बूढ़ी हो गए और जो विधवा हो गई, इच्छा हो तो करे, नहीं तो नहीं करे। राजा बोले तुम तो पहले लोग पहले बोलते थे भागवत में, जिसको अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखे, जिनको सुदर्शन चक्र क्या किया, जिसको नंद जसोदा ने रखे तो घर में लाला काना जन्म लिया है, जिसको रुक्मिणी सत्यभामा करती थी जिस वजह से कृष्ण उनको पति बने, तुम लोग तो पहले ही खुद बोलते थे एकादशी व्रत का दिन अर्ण में गोहत्या नरहत्या ब्रह्महत्या ये सारे पाप आप ही बोलते थे, मैंने थोड़ी बोलता था, तुम लोग तो बोलते थे, एक दिन में तुम बदला गए कैसे? बोले हाँ ऐसे। बोले देखो मेरे देश में तो एकादशी व्रत रहेगा। इतने में मोहिनी कहती है, बोले महाराज याद होगा शादी से पहले मैं क्या शर्त रखा था, मैं जो बोलूंगी आपको सुनना पड़ेगा नहीं तो चली जाऊंगी। बोले चलना तो तू जा, लेकिन मेरे देश में एकादशी व्रत रहेगा। लेकिन उनको जो बेटा था ना उसका नाम था धर्म का, वो धर्म स्वरूप था। इतने में उसने जो छोटी माँ मोहिनी के चरण में गिरी, बोली बोली माँ एकादशी व्रत कभी हम राज्य से नहीं निकाल सकते, एकादशी का विनिमय में आप जो कुछ मांगोगे हम देने के लिए तैयारी, लेकिन एकादशी व्रत नहीं छोड़ेंगे। बोले दे सकते हो? बोले बोलो। बोले अगर तुम्हारी पिता माता हंसते हंसते तेरे सर को काट करके मेरे को दे दे फिर तो मैं रह सकती हूँ। राजा बोले एक ही बेटा जो राज सिंहासन में बैठने वाले, पिता माता को भी हंसते हंसते एक बेटे का सर काट सकते हैं? बोले तू स्त्री ना पिशाच नहीं, तू निकल जा मेरे देश से, कोई जरूरत नहीं स्त्री से। लेकिन बेटा धर्म स्वरूप, बोले पिताजी ये शरीर से आपसे ही तो मिला मेरे को, तो मेरे लिए आत्मा बलि तुमने दिया, सौ माला जप कर Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare
करने के लिए दिया है, घर में लेने के लिए नहीं दिया। ये माला जप करके मेरे को वापस दे जाना, अगर आप बिना बोले लोगे तो पाप लगेगा, इसलिए कोई भी माला लेकर के नहीं जाए, सब माला मेरे को वापस दे करके जाए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं 7 दिन में भजन करने की आदत बन जाए। देखो भगवान के नाम में कितने शक्ति, ध्यान में करके सुना। कल एक समय ये एक सत्य घटना आपको सुनाता हूँ। एक भक्त था जिनका नाम था श्रीवास पंडित। जब उनने जन्म लिया, उनको ज्योतिष को हर पिता माता चाहते बच्चे का भविष्य क्या है, ज्योतिष ने कहा तेरे बेटे 16 साल में मरेगा। कितना साल में मरेगा? कितना साल में? 16 साल में मरेगा। तो दुखी हो गए, 16 साल में बेटा मर जाएगा। दूसरे ज्योतिष को पूछे, वो भी एक ही बात बताए, तो डर गए, 16 साल में मरने वाले। अभी तो जब वो बच्चा बड़ा हुआ ना, जब उसको होश आया, उसको भी पता चला मैं 16 साल में मरने वाला, ज्योतिष ने बताया, और कौन सा दिन मरेगा ये भी बता दिया था, इसी दिन तू मरने वाला। उसने सारे शास्त्र को ढूंढ रहा था, अगर जिसको मृत्यु क्या डर सकती है। तब उन्होंने शास्त्र ढूंढते ढूंढते उनको एक श्लोक मिला शास्त्र में, ये कली नारदीय पुराण में श्लोक मिला, वो लिखा हुआ था, बोले हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम। इसका मतलब है अगर कलियुग में कोई भगवान का नाम को कोई ग्रहण करता है, ये भगवान का नाम में इतने शक्ति है, बोले सर्व व्याधि उपशमनम सर्व रोग उपद्रव समानम, मतलब जितने उपद्रव दुख कष्ट सबके सब प्रभु का नाम से खत्म हो जाता है, और जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए उतर निकल जाएगा। वो लिखा हुआ था, बोले कौन सा हरि का नाम, ये जो हरे कृष्ण, सब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। अब तो सुनकर बड़े खुश हो गया, बोले शास्त्र में तो लिखा हुआ मृत्यु से तर सकता है। अभी दिन रात उठते बैठते प्रभु का नाम जप करता है, उसको पता था जो इसी दिन मरने वाला। उसने सवेरे सवेरे स्नान करना ठाकुर को सामने बैठ गया और ये माला लेकर के, अब देख लो कैसे माला जप करनी चाहिए। ये अंगुल को लगाना नहीं चाहिए, 20 अंगुल, हम कहते ना तेरे को हम देख लेंगे, सबसे पहले ये निकलता, इसको अहंकार का प्रतीक कहते हैं, इसलिए ये अंगुल को बाहर निकाल कर रखते हैं। ये अंगुल को स्पर्श नहीं कराना, ये बीच वाला अंगुल में रखना। अब जो रखना ये सुमेरु है और ये अंगुल को ऊपर में ऐसे रख करके इधर से तेरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल करके इसमें एक मोती सरकता है, दो बार दो मोती, तीसरा बार तीसरा मोती सरकता है, ठीक है। अभी उसने नाम जप करना शुरू कर दिया और ज्योतिष ने बोला था इसी दिन मरोगे, उसी दिन स्नान करके ठाकुर को सामने बैठ गया और माला लेकर हरे कृष्ण नाम करने लग गया। जब इसको मृत्यु का समय आए ना, बाबा जी ये जो बिस्कुट है ना, आज मत दिया पर एकादशी है, वहाँ ये बिस्कुट रख देना, कल दे देंगे भगवान जन्म कल लेंगे, आज कोई बिस्कुट खाएगा तो देना पाप लगेगा। इसलिए उन्होंने जब भगवान का नाम जब कर रहा था, इतने में उसका मृत्यु आ गई। मृत्यु आ गई तो जब उसने बेहोश हो गया, देखा किसने जोर से थप्पड़ मारे और थप्पड़ मारते ही ना जो बेहोश हो गया था जग गया, और जग करके देखता है कोई वहां है नहीं, लेकिन उसने मरा नहीं, उसने मरा नहीं। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तब महाप्रभु सारी बात बताए, बोले बेटा तेरे याद है ज्योतिष ने कहा था 16 साल में मरोगे, बोले हाँ, बोले तब तुम नाम जप कर रहे थे तेरे को बेहोश हो गया था, बोले हाँ, बोले देखना तेरे को किसने एक थप्पड़ मारे, बोले प्रभु आपको किसे पता चला, देखो ठाकुर क्या कहते हैं, बोले तुम जब मेरे नाम को जप किया ना तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गया था। जो भगवान का नाम जप करते हैं कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान से बढ़कर के प्रभु का नाम है, इसलिए तुम नाम जप कर रहा था, इसलिए तेरे को जमदूत लेने के लिए आए थे, जब जमदूत तेरे को लेने के लिए आए तू बेहोश हो गया था, लेकिन चूंकि तुम मेरे नाम का आश्रय कर रहा था मैंने उनका थप्पड़ मारकर जमदूत को भगाया और तेरे को मैंने रक्षा कर दिया। अगर भगवान के नाम लोगे ना, अगर मृत्यु भी तुम्हारे जीवन में हो, शास्त्र कहता है मृत्यु भी तुम्हारे जीवन में हो और मृत्यु भी टल जाएगी, इतने भगवान के नाम में शक्ति है। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी का एक शिष्य था, उसको हो गया कैंसर, डॉक्टर ने बोले 6 महीना और तू जिंदा रहोगे, उसको पहले भी मर सकते हो, लेकिन वो नौकरी करता था, जब सचा 6 महीना में मरने वाले,
नौकरी को रिजाइन दे दिया, दिन में एक एक लाख हरिनाम किया। अब तो पता है कितना जिंदा रहा, 16 साल तक जिंदा रहा उसने, एकदम 80 साल में जाकर के मरा। ये भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, मृत्यु को भी टाल देती है प्रभु की नाम। ठीक है, इसे मन लगा करके आंख बंद कर लो, समझो हम बांके बिहारी को सामने चरण को नीचे गोलोक वृंदावन में बैठे करके हम भगवान की नाम जप कर रहे हैं। ठीक है, आंख बंद कर लो, समझो वृंदावन में ठाकुर का चरण में बैठे हुए और भजन कर रहे हैं। सबके सब मेरे साथ में हरिनाम करना, पूरा नाम बोल करके एक मत सरकना, पूरा नाम बोलकर दो मत सरकना। ठीक है, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सब जोर जोर बोले, जो नहीं बोलेगा ना सबका जो बोलेगा उसको पाप ऊपर उठ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो नहीं बोलेगा, इसलिए सबके सब मेरे साथ बोलो, कोई मुंह को चुप नहीं रखना। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम